अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम प्रीमियर प्रो बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक सारा सीखेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारा डिटेल में बेसिक प्रीमियर प्रो के क्या क्या टूल्स होते हैं, कैसे क्या ये यूज़ करते हैं, इससे लेकर आपको एडवांस लेवल तक वीडियो एडिटिंग आप कैसे कर सकते हैं वो सारा डिटेल में सिखाऊंगा। सिंगल एक ट्यूटोरियल होगा और वीडियो जो है वो लेंथी हो सकती है, 2 से 2.5 घंटे तक या 3 घंटे तक जा सकती है वीडियो, लेकिन आपको जो है इसमें सारा कुछ डिटेल में सिखाया जाएगा। तो आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप सब कुछ देखना है। अगर आप वीडियो को इकट्ठी एक टाइम नहीं दे सकते तो आपने क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टाइम स्टैम्प या चैप्टर वगैरह मैं आपको दे दूंगा, जहाँ से आप डायरेक्ट जो है वो उस पॉइंट तक या उस एक खास जो चैप्टर वगैरह बने हुए होंगे उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्रीमियर प्रो आता है तो आपके लिए जो है ये सिंपल, आप ये समझ लें कि आगे डिटेल में मैं एडवांस लेवल तक जो है इसमें वीडियो एडिटिंग शामिल होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि इस तरह के मज़ीद ट्यूटोरियल्स जो हैं वो आपको बरवक्त मिलें। ये वाले कोर्सेज जो हैं वो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से करें तो आपको जो है वो काफ़ी महंगे दामों में वो जो है सेल कर रहे हैं, और सिर्फ बेसिक सिखाने के बाद बच्चों को क्या कहते हैं, अगर आपने एडवांस सीखना है तो आप एडवांस लेवल में दोबारा इस कोर्स को इनरोल करवाएं। तो यहाँ पे आपको जो है वो फ्री में सब कुछ सिखाया जाएगा। इससे पहले मैंने प्रीमियर प्रो के कुछ जो है शॉर्ट ट्यूटोरियल जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके बाद आज मैंने फैसला किया है कि मैं जो है वो बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक वीडियो एडिटिंग के सारा ट्यूटोरियल एक ही वीडियो में आपको सिखा दूँ। तो वीडियो को आपने स्टेप बाय स्टेप देखना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन को ओपन करेंगे तो आपके पास कंप्यूटर स्क्रीन में प्रीमियर को सॉरी ओपन करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस शो होगा। बड़ा ही सिंपल सा इसका इंटरफेस है। ये आप ओपन प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं अगर आप पहले काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो न्यू प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास पुराने वर्जन में जब न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करते थे तो हमारे से वो सारा डिटेल मांगता था कि आपने प्रोजेक्ट का जो है वो फ्रेम्स कितने रखने हैं पर सेकंड, ये सारा डिटेल में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट जो है ये क्रिएट कर देता है। यहाँ पे आपके रिसेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके शो हो रहे होंगे। ये मेरे 2 प्रोजेक्ट्स हैं, नेचर मेंटोरशिप यानी जो मेरे चैनल का नाम है, उनकी जो वीडियोस मैं एडिट करता हूँ वो इस प्रोजेक्ट में करता हूँ। नीचे वाइट शॉर्ट्स हैं, शॉर्ट्स वगैरह के लिए मैंने जो है वो अब स्टार्ट करना है। इसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स वगैरह के लिए मैंने न्यू बनाया है ये, ताकि शॉर्ट्स भी मैं अपलोड कर सकूँ। तो मैं आपको शॉर्ट्स का भी बता दूंगा कि आप शॉर्ट्स में कैसे इसको सेटिंग कर सकते हैं। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले ये क्या पूछ रहा है, नाम प्रोजेक्ट का नाम हम क्या कर सकते हैं, डेमो क्लास रख लेते हैं, ठीक है। ये डेमो क्लास है हमारे पास तो हमने डेमो क्लास नाम रख लिया। उसके बाद आगे प्रोजेक्ट लोकेशन, ये जैसे ही हम यहाँ से क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, सेव कर देगा। इसका ये बड़ा अच्छा काम है कि ये जो है हम जो जो इसमें प्रोसेस करते रहेंगे ऑटो सेव में खुद ही से सेव करता रहेगा। खुदा ना खासा पाकिस्तान में आपको पता है कि लाइट चली जाती है या अचानक से कंप्यूटर आपका बंद हो जाए या क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये ऑटो सेव पे खुद ही ऑटोमेटिकली बैकअप बैकएंड पे सेव कर रहा होता है, ठीक है। सेव करने के बाद जो है आप वहाँ से आराम से अगर ये बंद हो भी जाए तो तब भी आपको ये क्या करेगा, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपके पास डेमो क्लास कर ली। लोकेशन आप चेंज करना चाहते हैं तो आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चूज लोकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपको लोकेशन वगैरह बता देगा। आप डायरेक्टली वहाँ से सेट कर सकते हैं कि मुझे जो है क्या शो कहाँ पे ये सेव करना है मैंने, ठीक है। सिंपल यहाँ पे हमारे पास ये लोकल बता रहा है कुछ, ये डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पे आपके पास जो जो चीज़ें पड़ी हैं वो यहाँ पे शो होंगी। अगर आपने डेस्कटॉप पे कोई ऐसी चीज़ पड़ी है जिसको आपने अपने उसमें यूज़ करना है तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपल क्लिक करने के बाद इसको क्रिएट का ऊपर क्लिक करेंगे तो अब क्या होगा, ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा, ठीक है। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, सिंपल अगर आपने ऐसा करना तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आपने बिल्कुल ब्लैंक डॉक्यूमेंट ब्लैंक प्रोजेक्ट जो है वो आपने क्या करना है, स्टार्ट करना है। डॉक्यूमेंट में आपके डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाएगा, ठीक है। ये सब कुछ आपसे आपके डायरेक्टरी में जो जो पड़ा होगा वो शो करवाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो है इसका प्रीव्यू को छोटा या बड़ा करने के लिए है, और ये लिस्ट व्यू होता है, सिंपल ये आइकन व्यू है, ठीक है। आइकन व्यू में करेंगे तो आइकन व्यू आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास यूजर वगैरह पूछ रहा है, सॉरी पूछ रहा है, शो करवा रहा है
कि आप यहाँ से जो है वो क्या क्या यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं, तो डेस्कटॉप वगैरह अदील, ये जो है वो मेरा यूज़र नेम है, इसे कंप्यूटर का नाम वगैरह, ठीक है आप फिलहाल इसको छोड़ दें, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्रिएट न्यू सीक्वेंस, उन्होंने एक सीक्वेंस हमें जो है वो सीक्वेंस मान से, ये इसको भी फिलहाल अभी आप छोड़ दें, ठीक है इम्पोर्ट सेटिंग बताई हुई है, इससे आपको कोई अभी फिलहाल लेना देना नहीं है, ठीक है। सैम्पल वीडियो मीडिया में करेंगे तो आपके पास ये कुछ वीडियोस दिखा रहा होगा यहाँ पे, आप ये वीडियोस वगैरह भी इसके ऊपर होवर करेंगे तो आपको जो है वीडियो चलती हुई नजर आएंगी। अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में सैम्पल के तौर पे यूज़ करनी है तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आपको तो भाई जो भी वीडियोज़ हैं वहाँ से क्या करें आप ले आए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ इसको सिंपल क्रिएट करता हूँ, जैसे मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास क्या करेगा, ये इसने हमें क्या कर दिया है, क्रिएट करने के बाद हमारे इस पे प्रीमियर प्रो के एक न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर ले आया है, जिसका नाम मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे डेमो क्लास के नाम से सेव हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और डेस्कटॉप पे ऑटोमेटिकली क्या हो गया, सेव हो गया। अच्छा यहाँ पे अगर आपके पास ये जो है यू का वार्निंग का निशान आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम कंपैटिबिलिटी नहीं है, ठीक है, मेरे पास क्योंकि ग्राफिक कार्ड वगैरह मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो इसलिए जो है इसकी सिस्टम कंपैटिबिलिटी थोड़ी सी कमज़ोर है, और इस सिस्टम में मेरे पास जो है ये कंपैटिबल नहीं है, लेकिन फिलहाल चल रहा है, रन कर रहा है, ठीक है, मुझे काम दे रहा, तो मैंने जो है वो इसको अपग्रेड नहीं करवाया, ठीक है। आपके पास अगर ये शो हो रहा है तो ठीक है, नहीं शो हो रहा तो बेशक आप काम चलाते रहें, काम चल रहा है जब तक तब तक चलाएं आप, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें है क्या क्या, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये वाला जो है पैनल, इसको कहते हैं सोर्स मॉनिटर, ठीक है। हमारे पास सोर्स मॉनिटर में जो है वो सबसे पहले जो भी हम वीडियोस वगैरह को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे वो जो है प्रोजेक्ट पैनल के अंदर शो होंगे, ठीक है। सोर्स मॉनिटर का काम मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसका काम क्या है, सबसे पहले हमारे पास होता है इंपोर्ट मीडिया टू स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, मैं आपको ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कहाँ तक जा रहा है हमारे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट डेमो क्लास, ये हमारा मेन जो है वो आप ये समझ लीजिए जहाँ पे हमने फाइलों को लेकर आना है, फाइल्स को हमने इम्पोर्ट करना है, ठीक है। इम्पोर्ट करने के दो तरीके हैं, एक तो ये आप यहाँ पे सिंपल डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद आपसे ये डायरेक्टरी पूछेगा कि आपकी वीडियो या आप जो भी चीज़ लाना चाहते हैं वो आप कहाँ से डायरेक्टरी में ला सकते हैं, ठीक है। एक सिंपल ये है, एक ये है कि आप इसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करें, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप को आपको पता है कि कैसे करते हैं, कि जहाँ पे भी आपकी फाइल वगैरह पड़ी है, लेट्स सपोज मेरी यहाँ पे फाइल पड़ी है डाउनलोड्स में, ठीक है, डाउनलोड में ये लेट्स सपोज ये तस्वीर पड़ी है, तो मैंने इसको क्या किया, यहाँ से शॉर्ट किया और ड्रैग करके यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गई है, ये देखिए यहाँ पे तस्वीर आ चुकी है, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास दो ऑप्शन है कि आप जो है वो फाइल्स को इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। अच्छा अगर लेट्स सपोज मैं आपको थोड़ा सा इसका एक हिंट दे देता हूँ कि अगर आपके पास फाइल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं तो आप जो है यहाँ पे एक बिन बना सकते हैं। बिन क्या होता है, जैसे आप यह समझ लें कि डस्टबिन जैसी होती है, डस्टबिन के अंदर हम कूड़ा वगैरह फेंकते हैं, ठीक है। तो इससे आप यहाँ पे बिन बनाने के बाद उसमें फाइल्स को रख सकते हैं, कि अब लेट्स सपोज आप बिन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बना सकते हैं, जैसा कि आप ऑडियो की अलग बिन बना सकते हैं, वीडियोस की अलग बिन बना सकते हैं, ठीक है, और भी मज़ीद जो है वो आप मोशन ग्राफिक्स की या पिक्चर्स की या इमेजेस की आप अलग अलग बिन जो है वो बना सकते हैं, उसमें सेव कर सकते हैं, उनका नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताता हूँ कि आप कैसे इसको बना सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा आपके पास क्रिएट अ न्यू बिन, ठीक है। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे इसका नाम पूछेगा, ठीक है। अगर आपने इसमें ऑडियो फाइल्स रखनी है तो आप इसको ऑडियो का नाम रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको वीडियो फाइल रखनी है तो आप इसका नाम वीडियो के नाम से रख सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वीडियोज का नाम इसको वो किया मैंने और सिंपल क्लिक किया, तो ये हमारे पास एक बिन बन गई है जिसके अंदर हम जो है अपनी वीडियोस को प्लेस करेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि न्यू आइटम, अब हमने न्यू आइटम क्या बनानी है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका और भी और दे दूँ, ये हमारे पास है प्रोग्राम मॉनिटर, ठीक है। प्रोग्राम मॉनिटर में क्या होगा कि हम जो जो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करने के बाद उसको अगर हम लेट्स सपोज मैं आपको कोई एक वीडियो जो है यहाँ पे ला के दिखा देता हूँ। अच्छा जी ये मैं जो है एक वीडियो इंपोर्ट करके ले आया हूँ यहाँ पे, ठीक है, रनिंग के नाम से वीडियो है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ से
आपको वीडियो नहीं सही तरह जो है उसका प्रीव्यू नज़र आ रहा, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको आइकन स्विच द करंट व्यू टू आइकन व्यू, ठीक है, ये लिस्ट व्यू है हमारे पास और ये जो है वो आइकन व्यू करेंगे तो आपके पास ये जो है वीडियो यहाँ पे शो हो रही होगी। जैसे आप इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये वीडियो जो है वो क्या हो जाएगी, चलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो बिन बनी हुई है, ये बिन थी हमारी और ये जो है वीडियो है। जैसे ही आप जो जो चीज़ें इंपोर्ट करते रहेंगे यहाँ पे, वो आपको यहाँ पे शो होती रहेंगी। अगर आपने उनका बाय नेम जो है वो अपनी डायरेक्टरी में सेव करके रखा हुआ है, तो आपको वो बाय नेम शो होंगी। अगर आप जो है वो ऐसे नाम ले आते हैं, तो आप जो है इसके ऊपर क्या करें, सिंपल इसको यहाँ से आप रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। आप, ये आपकी मर्जी है, आपने रीनेम पहले करना है या इंपोर्ट करने के बाद करना है, ठीक है। अगर आप जो है वो इसको साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इस व्हील को जब ऊपर आगे पीछे करेंगे तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा या बड़ा, ठीक है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि साइज़ जो है वो बाई डिफ़ॉल्ट जो है वो आप उसको वही रखें, ताकि आपको नॉर्मल शो होती रहे, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया, डबल क्लिक किया, ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद ही हमारे पास इस सोर्स मॉनिटर के अंदर ये क्या हो जाएगी, शो होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, ठीक है, ड्रैग वीडियो ओनली और ड्रैग ऑडियो ओनली, क्योंकि इस वीडियो की और वीडियो ऑडियो जो है वो नहीं है, ठीक है, इसलिए जो है ये ऑडियो वाला हमारे पास ऑप्शन क्या करवा रहा है, वो डिसेबल शो करवा रहा है, ठीक है। वीडियो जो है, अगर आप पूरी वीडियो लाना चाहते हैं तो यहाँ से आप वीडियो, अच्छा अब लानी किधर है, हमने हमारे पास जब वीडियो, हम ये टाइमलाइन है हमारे, ठीक है। टाइमलाइन क्या हो रही है, टाइमलाइन सारा आप ये समझ लें कि आपने एक वीडियो का सीक्वेंस जनरेट करना है, वो हमारे पास टाइमलाइन होगी, ठीक है। टाइमलाइन में ये समझ लें कि एक वीडियो है, फिर आपकी दूसरी वीडियो है, फिर आपके उसके ऊपर ग्राफिक्स वगैरह है, आपका टेक्स्ट है, उसके ऊपर आपकी इमेजेस हैं, आपका सब कुछ जो है वो यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर एज ए सीक्वेंस शो हो रहा होगा, ठीक है। आप इसके ऊपर मल्टीपल सीक्वेंस वगैरह बना सकते हैं। अब यहाँ से एक पहले सीक्वेंस बनाने के बाद इसको बाद में भी इसके ऊपर ला सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप डायरेक्ट इसको यहाँ पे ड्रैग करके लेकर आएंगे, ठीक है, दो ऑप्शन है यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर डालने के लिए। जैसे ही आप यहाँ पे ड्रैग करके लेकर आएंगे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली इसी साइज़ का जो है वो हमें क्या बना देगा, सीक्वेंस जनरेट कर देगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जो सीक्वेंस मैंने बनाया है वैसा सीक्वेंस रहे, तो आपने कंट्रोल सी करना है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे सीक्वेंस इससे बना दिया। अगर मैं आपको लिस्ट भी दिखाऊँ तो यहाँ पे देखें एक सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस का साइन जो है वो यूं का होगा कुछ, कि उसके ऊपर एक ये कंट्रोल, आप ये समझ लें कि कंट्रोल व्हील होगा, ठीक है, एक उसके बाद जो है वो एक कुछ तीन चार लाइन वगैरह बनी हुई होंगी। ये सीक्वेंस का जो आइकन है ये आपको शो हो रहा होगा कि इसने जो है वो ऑटोमेटिकली सीक्वेंस एक जनरेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि लेट्स सपोज आपके पास वीडियोज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में है, ठीक है, आपके पास वीडियोज़ 4-5 या 5 से ज़्यादा, या इसमें काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल वीडियोस आपके पास हैं, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे टाइमलाइन के ऊपर इसको लेकर आते हैं, तो टाइमलाइन के ऊपर आपको ना ये सिंगल कलर के अंदर शो होगी, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं इसको टाइमलाइन के ऊपर ड्रैग करके लेकर आता हूँ, तो ये आपको ये पिंक कलर की शो हो रही है, ठीक है। आप चाहते हैं कि मुझे जो है ये, मैं जैसे ही यहाँ से दूसरी कोई और वीडियो लेकर आऊँ, तो उसका मुझे कलर जो है वो डिफरेंट शो हो, ताकि जो है मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ कि मेरी वीडियो पहले वाली कौन सी थी और दूसरे वाली जो है वो और कलर की हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ठीक है, जो भी आपके पास यहाँ पे वीडियो होगी आपने उसके ऊपर क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है लेबल, ठीक है, लेबल करने के बाद आपके पास ये कुछ कलर्स आ रहे हैं, ठीक है। कलर में आप जो भी आप यहाँ पे कलर चेंज करेंगे, वो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका इस टाइमलाइन के ऊपर जो कलर आ रहा है वो आपका क्या कर देगा, ये चेंज कर देगा। लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ, येलो कर देता हूँ इसको, तो ये येलो हो गया, ठीक है। मैं दोबारा इसको ड्रैग करके लेकर आता हूँ, तो यहाँ पे देखें कि पहले मैं वीडियो जो लेकर आया था वो हमारे पास किस कलर की थी, पिंक से कलर की, ठीक है, और दूसरी जो है वो मेरे पास येलो कलर की वीडियो जो है वो इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप कलर वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। जो सीक्वेंस बना था उसका ग्रीन कलर है, और हमारे पास जो हमने बिन बनाई हुई है उसका ऑरेंज कलर है, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मैं आपको यहाँ से, लेट्स सपोज हम ये जो है सीक्वेंस नहीं चाहते, इस सीक्वेंस को हम क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं हमारे टाइमलाइन के ऊपर, अच्छा
हम यहाँ से क्या करते हैं, न्यू आइटम में चलते हैं। न्यू आइटम पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शन शो होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ट्रांसपेरेंट वीडियो, यूनिवर्सल काउंटिंग लीडर, कलर मैट, ब्लैक वीडियो, बार्स एंड टोन, एडजस्टमेंट लेयर, ऑफलाइन फाइल, प्रोजेक्ट शॉर्टकट या फिर सीक्वेंस, ठीक है। हमने यहाँ पे न्यू सीक्वेंस जनरेट करना है, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, न्यू सीक्वेंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक यहाँ से एक और पॉपअप वीडियो विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमारे पास सारा कुछ सीक्वेंस रिलेटेड है। बाय डिफॉल्ट उसने सीक्वेंस का नाम जो है वो सीक्वेंस वन रख दिया, ठीक है। आप जो है इसका नाम चेंज कर सकते हैं, हमने रख दिया डेमो क्लास, ठीक है। सीक्वेंस ये ले ली मैंने, डेमो क्लास सीक्वेंस रख दिया। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वो DSLR 1080p और 25 जो है वो फ्रेम्स ये क्या है हमारे पास सिलेक्ट हुआ है। आपके ऊपर है कि आपकी जो है वो आपने वीडियो किस फ्रेम्स के ऊपर वो करनी है। अगर आपको फ्रेम्स का नहीं पता, मैं आपको फ्रेम्स का बता देता हूँ कि आपने जब टाइम कोड देखा होगा तो टाइम कोड जो है वो आपके पास टोटल अभी तक तीन जो है वो इन समय, लेट्स सपोज मैं ये क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के बाद मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारे पास यहाँ पे ये आवर्स हैं, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है मिनट्स हैं, और ये हमारे पास क्या है जी सेकंड्स हैं, और यहाँ पे ये जो है हमारे पास फ्रेम्स शो हो रहे हैं, ठीक है। फ्रेम्स क्या होता है, फ्रेम्स यानी कि एक सेकेंड के अंदर हमारे पास ये अगर हम 25 फ्रेम्स सेट करेंगे तो एक सेकेंड के अंदर 25 फ्रेम्स को ये शो करवाएगा। एक्चुअली वीडियो होती क्या है, वीडियो जो है वो हमारे पास इमेजेस को यानी कि फ्रेम्स जो है हमने इमेजेस को क्लिक किया होता है उसको तेजी में ना क्लिक करके हमें क्या करता है शो करवाता है, तो एक वो कंप्लीट एक वीडियो बन जाती है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपने जो है 60 FPS पे ये सेट की हुई है यानी कि फ्रेम्स पर सेकंड आपके जो है वो 60 होंगे, ठीक है। तो 60 में क्या होगा, आपके 60 फ्रेम्स एक ही सेकंड के अंदर ये लगातार चलाएगी, ठीक है। अब आपको पता है एक सेकंड की ड्यूरेशन जो है वो बहुत कम होती है, तो एक सेकंड में अगर आपके 60 फ्रेम्स चलेंगे तो आपकी जो है वो हाई रेजोल्यूशन वीडियो जो है काउंट होगी, ठीक है। जैसे जैसे आप फ्रेम्स नीचे आते रहेंगे आपकी वीडियो के रेजोल्यूशन जो होते हैं वह क्या होती रहेगी, थोड़ी कम होती रहेगी। तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप जो है वो 25 से 30 फ्रेम्स तक अपनी वीडियो को सेट करें शुरू में, ठीक है। बाद में आप जो है वो उसको जितनी मर्जी आप 1080p अगर आपने बनानी है पिक्सल पे और फ्रेम जो है वो उसके 60 रखने हैं तो आप बेशक 60 भी रख सकते हैं, ठीक है। शुरू में आप क्या रखें 25 से लेके 30 के दरमियान आप यहाँ पे फ्रेम्स को सेट कर सकते हैं, ठीक है। हमने सीक्वेंस जनरेट कर लिया है, हमारा सीक्वेंस बन गया, ठीक है। तो सीक्वेंस के दोबारा उसमें चलते हैं, मैं इसको फिलहाल बंद करता हूँ, न्यू सीक्वेंस बनाते हैं हम, डेमो क्लास सीक्वेंस। अच्छा, सीक्वेंस में हमारे पास इसने ऑप्शन कर लिया 1080p पे, हम 1080p बना रहे हैं सिंपल। यहाँ पे आप सेटिंग में क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग में कुछ और ऑप्शंस भी वगैरह दे देगा। ये हमारे पास फ्रेम साइज है, ये फ्रेम साइज 1920x1080 pixels, ठीक है। उसके बाद जो है वो टाइम बेस क्या हो गया 25 फ्रेम्स पर सेकंड। अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हैं, 30 पे भी रख सकते हैं, 50 पे भी, 60 पे भी, ठीक है। ये आपकी अपनी ये आपने ऊपर है, ठीक है। उसके बाद बाकी चीज़ों का आप फिलहाल ना छेड़ें, और यहाँ से आप जैसे और भी ऑप्शन है इसके ट्रैक वगैरह है वीडियो भी और वीडियो, इसको फिलहाल आप छोड़ दें। फिर आप सिंपल क्या करें, ओके करेंगे, जैसे आपके पास यहाँ पे क्या करेगा सीक्वेंस को जनरेट हमें करके दे देगा, ठीक है। ये होगी हमारी प्रोग्राम मॉनिटर। प्रोग्राम मॉनिटर में हम जहाँ जो जो यहाँ पे सेटिंग कर रहे होंगे वो यहाँ पे प्ले करके हमें क्या कर रहा होगा ये दिखा रहा होगा, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट वीडियो को यहाँ से ड्रैग करके टाइमलाइन के ऊपर लेकर आएंगे तो यहाँ से हमारे पास इसकी ऑडियो और ड्यूरेशन जो है वो कंप्लीट वीडियो की जैसे वीडियो है वैसे ही क्या होगी ये कंप्लीट टाइमलाइन पे आ जाएगी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो सिर्फ वीडियो का छोटा सा क्लिप आए और ऑडियो जो है वो इसकी हम नहीं चाहते, हम सिर्फ इसका वीडियो पार्ट चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, पहले इसको सोर्स मॉनिटर में ओपन कर लेना, ठीक है। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे आपके पास ये दो ऑप्शन शो हो रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वीडियो ओनली और एक लिखा हुआ है ऑडियो ओनली, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ से आपने लेट्स सपोज आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करने के बाद आपने यहाँ पे ये वाला बटन जो है मार्क इन, मार्क इन का मतलब होता है कि यहाँ से लेके हमने पार्ट को जो सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपने कीबोर्ड से आई भी प्रेस करेंगे तो आपके पास ये सिलेक्ट हो जाएगा, जैसे पहले मेरा हाईलाइट हुआ है, ठीक है। और यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक ये जब ये चला गया भाग के तो
यहां तक हमारे पास जो है वो, इसको मैं क्या करता हूँ, मार्क आउट कर लेता हूँ, ठीक है। यानी इतना क्लिप जो है वो मुझे चाहिए अपनी वीडियो में इस्तेमाल करने के लिए। तो सिंपल मैंने क्या करना है, यहां से मैं ड्रैग करके जब इसको लेकर आऊंगा तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या होगा, सिंपल आ जाएगी, ठीक है। अब आने से पहले ये हमसे क्या कर रहा है, क्या है? पूछ रहा है कि आपने दिस क्लिप डज नॉट मैच द सीक्वेंस सेटिंग, ठीक है। हमने क्योंकि सीक्वेंस की जो सेटिंग रखी थी वो 1920 मल्टीप्लाई बाय 1080p रखी थी, लेकिन ये जो है वीडियो जो है ये हमारे पास 1920 की नहीं है, ये 720 की है, ठीक है। तो इसलिए जो है वो इसने पूछा है कि अगर ये वीडियो इसके हमारे पास जो टोटल सेटिंग हमने सीक्वेंस से रखी है उसके साथ मैच नहीं कर रही, तो आपने क्या करना है, कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग रखनी है या फिर चेंज सेटिंग सीक्वेंस रखना है, ठीक है। आप जब भी कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग रखेंगे, ठीक है, यानी कि जो इसकी सेटिंग है इस वीडियो की, ठीक है, इस क्लिप की, तो वो सेम टू सेम सेटिंग जो वो ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये देखें, जैसे मैंने ओके किया तो ये हमारे पास जब प्रोग्राम मॉनिटर के अंदर आई है, प्रोग्राम विंडो में, तो देखें हमारे सीक्वेंस का पूरे का सेटिंग क्या है, 1920 है, ठीक है, और इसकी जो है 720 है, इसलिए छोटी सी, थोड़ी सी ये छोटी हो गया, इसके साइडों पे सारे जो स्पेस है वो एम्प्टी हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से एक दो तरीके हैं आपने जो है वो इस क्लिप को इस बैकग्राउंड के साथ मैच करने के लिए, ठीक है। या तो आप सिंपल क्या करें, इस क्लिप को यहाँ पे लाके टाइमलाइन के ऊपर आके क्लिक करें और यहाँ पे हमारे पास ये इफेक्ट्स कंट्रोल ऑप्शन जो है वो ओपन कर लें, ठीक है। अब यहाँ से हम इसकी जो है सारी प्रॉपर्टीज, फर्दर प्रॉपर्टीज को सेटिंग कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास इफेक्ट कंट्रोल जो है वो शो नहीं हो रहा किसी वजह से, तो आप यहाँ पे विंडोज में जाएं, विंडोज में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ये इफेक्ट्स कंट्रोल या फिर इसकी शॉर्टकट की है Shift+5, ठीक है, ये प्रेस करेंगे तो आपके पास ये इफेक्ट्स कंट्रोल शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जिस क्लिप को आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ होगा उसके सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे इफेक्ट्स कंट्रोल में आ रही होंगी, इससे हम इसको दाएं से बाएं भी कर सकते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे भी कर सकते हैं, उसके बाद इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे स्केल छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रोटेशन वगैरह हम कर सकते हैं, और आप फर्दर देखें तो एंकर पॉइंट वगैरह इसके सेटिंग वगैरह उसकी चेंज कर सकते हैं, एंटी फ्लिकर, ये सब कुछ आप क्या कर सकते हैं, ओपेसिटी वगैरह कम करनी है वो कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से हम इसके सारे ऑप्शंस को फर्दर क्या कर सकते हैं, चेंज वगैरह कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जी दबा के जो है इसको क्या करता हूँ, सबको सेटिंग मिल जाता हूँ दोबारा यहाँ पे। अच्छा, आपने अगर दोबारा इसको लेकर आना है तो या तो आप कंट्रोल जी दबाएंगे या फिर सिंपल यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको रीसेट पैरामीटर, ठीक है, जो पहले वैल्यूज थी इसकी वो सेम टू सेम वैल्यूज वो क्या होंगी, वापस आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास वैल्यू है। एक तो सिंपल इसका ये तरीका है कि आप यहाँ से इसको जो है वो ड्रैग करना, इसकी वैल्यूज को बढ़ाना शुरू करें सिंपल, यहाँ पे आप वैल्यूज के ऊपर लाके क्लिक करेंगे तो आपसे ये नंबर मांगेगा, ठीक है। आप यहाँ से इसका कोई भी नंबर लिखेंगे वो मैनुअली अगर लिख सकते हैं तो वो भी ठीक है, ठीक है। या फिर आप यहाँ से क्या करें, इसके ऊपर जब लेकर आएंगे तो आपके पास एक स्क्रोल व्हील बन जाएगा, ठीक है, सॉरी, राइट तरफ की तरफ लेके जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती रहेगी, लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे तो वैल्यू क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी, ठीक है। तो आपने देख लेना यहाँ पे सेट होगा वहां पे आपने क्या कर देना, इसको सेट करके छोड़ देना, ठीक है। यानी 150 इसकी वैल्यू है, 150 भी आ गई, ये क्या हो गया, हमारे पास पूरी वैल्यू हमारे जो सीक्वेंस हमने जो बना के रखा हुआ था उसमें क्या हो गई है, फिट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ से क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा लेकर आया हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं जो है वीडियो को यहाँ पे लेकर आया हूँ। इसने मेरे से पूछा कि क्लिप जो है पहले हमने क्या कर रखा रखा था, जो इसकी पहले सेटिंग है वही रहने दें, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे चेंज करते हैं, जैसे हम चेंज करेंगे ना, ठीक है, सिंपल अब क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि हमारा जो है वो सीक्वेंस के मुताबिक इसको क्या कर देगा, फिलहाल पीछे के मैच कर देगा, पहले बैकग्राउंड पीछे से शो हो रहा था, ठीक है, अब इसने क्या किया, उस सीक्वेंस के मुताबिक इसको ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। अब हम इफेक्ट्स कंट्रोल में आएंगे तो अब इसकी आप यहाँ पे वैल्यू देखें कि यहाँ पे वैल्यू जो है थोड़ी सी इसकी चेंज हो चुकी है वैल्यू में, ठीक है, पहले यहाँ पे 540 था और यहाँ पे 960 था, अब यहाँ पे क्या हो गया, 640 और यहाँ पे 360, यानी कि वैल्यूज यहाँ पे पोजीशन की क्या हुई है, थोड़ी सी चेंज कर दी है इसने, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये यूं आप क्लिप को पीछे सीक्वेंस के मुताबिक सेट कर सकते हैं, अगर आपने उसी क्लिप से सीक्वेंस जनरेट करना है तो आप वहां पे वैसे भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैं आपको कुछ और थोड़ी सी एग्जांपल मैं दे दूँ, यहाँ पे मैं जो है वो थोड़ी सी और वीडियोस को एंटर करके ले आता हूँ। अब मेरे पास ये कुछ वीडियोस आ गई हैं, ठीक है, मैंने सारी को वीडियोस को यहाँ पे क्या कर दिया, ला के छोड़ दिया, ठीक है। अब सिंपल मैं क्या करता हूँ, आपको ये बताना है, यहाँ कुछ क्लिप जो है वो हमारे पास लेंथ में काफी बड़े हैं और कुछ क्लिप जो है वो हमारे पास लेंथ में काफी छोटे हैं, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप जो है वो कैसे सिंपल कर सकते हैं,
अगर आपने इनको क्या करना है, मैच करना है। पहले तो मैं लेट्स सपोज इसको जो है ना, पहले इसका ऑडियो गायब करता हूँ। आपने इसको राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके यहाँ पे लिखा हुआ है अनलिंक, इससे आप ऑडियो और वीडियो को क्या कर सकते हैं, अनलिंक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको गायब करें, सिंपल। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई सारी। अच्छा, मैं इसको क्या करता हूँ कि ये हमारे पास जो भी वैल्यू वीडियोज हैं, आप देखें यहाँ पे कुछ वीडियोज जो हैं वो, अब ये वाली वीडियो देखें, इसमें चेहरा ही नजर नहीं आ रहा। ठीक है, अब चेहरा नजर नहीं आ रहा तो हमारे पास इस वीडियो का कोई काम नहीं है। तो कुछ वीडियो जो है हमारे पास, हमारे सीक्वेंस से बड़ी कम रेजोल्यूशन किया, कुछ ज्यादा रेजोल्यूशन किया, इसलिए जो हमने क्या करना है, हमने इस सीक्वेंस के अंदर फिट करना है इसको। तो आपने क्या करना है, सबको सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे आएगा सेट टू फ्रेम साइज। ठीक है, आपने इसको क्या कर देना है, सेट टू फ्रेम साइज। जैसे आप करेंगे तो सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, अब ये सारी सेट टू फ्रेम साइज का मतलब कि हमारे जितना भी ये फ्रेम साइज है इसके मुताबिक क्या हो गया, ये अपने आप को इसने एडजस्ट कर लिया। ठीक है, मैं सारी डिलीट कर देता हूँ, फिलहाल हमारा कोई काम नहीं है यहाँ पे। मैं सारी वीडियोज को इस बिन के अंदर डाल रहा हूँ। ठीक है, मैंने जितनी भी वीडियोज मैंने वो इम्पोर्ट करके लाया था, मैंने सारी क्या कर ली, इस बिन के अंदर यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली। ठीक हो गया, ये हमारे पास है टूल बार। सिंपल, सबसे पहले हमारे पास सिलेक्शन टूल है। सिलेक्शन टूल में आपके पास क्या होता है, कोई भी आपने यहाँ पे क्लिप या ऑडियो या ग्राफिक्स या कुछ प्ले कराए हैं तो आपको वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप उसको सिलेक्ट करके दाएं से बाएं जो है वो ड्रैग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल, फिलहाल अभी इसको आप छोड़ दें। ठीक है, इन बाकी टूल्स को जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल आपने क्या करना है मैं आपको बता दूं। पहले सिंपल आपको मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ से। ठीक है, अब टाइमलाइन को आप जो है वो छोटा या बड़ा कैसे कर सकते हैं, आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, टाइमलाइन के ऊपर ऑल्ट दबा के आपने ड्रैग करना है माउस का जो स्क्रॉल व्हील होता है। ठीक है, तो ये क्या होता रहेगा, आपके पास ये लेंथ अपनी बढ़ाती रहेगी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे ये देखें, इसने अपने आप को क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया। ठीक हो गया, या फिर सिंपल आप यहाँ पे आपने के आपके पास ये आ रही होगी, आप इसको भी अगर आप ड्रैग करके बढ़ाना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, छोटा या बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आप दो तरीके आपके पास जो है, आप जो टाइम लाइन को ड्रैग करके बड़ा कर सकते हैं ताकि आपको यहीं कहीं पे अगर आपने कोई कट लगाना है या कहीं पे कोई भी चीज़ फिट करनी है तो आपके लिए वो आसानी हो सके, बजाय इसके कि आप छोटे से उसमें आप वो करते रहें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैं यहाँ पे आपको ये जो है हमारे पास रेजर टूल है। रेजर टूल आपको पता है कि क्लिप के अंदर कहीं भी आपने कट लगाना है तो आप सिंपल यहाँ पे लगाएंगे कट। ठीक है, यहाँ पे कट लगाना है, यहाँ पे कट लगाएं, यहाँ पे कट लगाएं। अब आप चाहते हैं कि बीच वाले जो है वो क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। ठीक है, और ये वाला जो है इसके साथ आगे यहाँ पे साथ मैच हो जाए। ठीक है, तो जब ये मैच हो जाएगा तो ये आपके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक क्लिप दूसरे क्लिप के साथ मैच हो जाएगा, या फिर आप अनवांटेड पार्ट्स को आराम से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं जो है आपको एक और बात बता दूं कि मैं 2023 यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें कुछ फीचर्स जो हैं वो न्यू हैं और कुछ फीचर जो हैं वो पुराने हैं। तो आपने जो है वो ये इसे घबराने जाना कि ये जो है वो ट्यूटोरियल के अंदर ये वीडियोस में ये था लेकिन हम जो यूज़ कर रहे हैं उसमें नहीं है। तो आपने न्यू फीचर, कोशिश ये करें कि अपने आप को अपग्रेड रखें, जो भी लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है आप उसको यूज़ करें। ठीक है, आपका कंप्यूटर कंपेटेबल नहीं है तो आप पुराने से काम चलाने के लिए। अच्छा, अब हम आ जाते हैं रिपल एडिट टूल। ठीक है, रिपल एडिट टूल में सबसे पहले हमारे पास रिपल एडिट टूल है, फिर रोलिंग एडिट टूल है, फिर रेड स्प्लैश है। ठीक है, और रिमिक्स टूल है। सिंपल, पहले मैं आपको जो है ना यहाँ पे रिपल एडिट टूल जो है वो दो में, दो क्लिप्स या दो से ज़्यादा क्लिप्स में इस्तेमाल होता है, फिलहाल इसको भी छोड़ें। मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि रेड स्ट्रेच टूल क्या करता है, हो सकता है पुराने जो वर्जन है उसमें ये ना हो। ठीक है, मैं इसकी जो है ड्यूरेशन थोड़ी सी कम करता हूँ। अभी आप यहाँ से देखें कि यहाँ पे हमारे पास इसकी ड्यूरेशन जो है वो 15 सेकेंड है। ठीक है, 15 सेकेंड, जैसे ही मैंने ये वाला और जो है वो टूल सेलेक्ट किया है, इसको मैं ड्रैग करके क्या कर सकता हूँ, इसकी ड्यूरेशन को क्या कर सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आप ये समझ लें कि वीडियो का स्लोमो तैयार हो गया। ठीक है, अब इसने पहले हमारे पास, लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, तो यहाँ पे हमारे पास वीडियो का, मैं इसको थोड़ा सा सर्च करके दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे ये वीडियो की 100% थी ना पहले, यानी 100% वीडियो जो है आपने क्लिप पे मौजूद थी 15% पे। जब इसका हमने स्लोमो किया ना तो ये क्या हो गया, 94% जो है वो इसका, यानी 6% आप ये समझ ले कि इसको स्ट्रच करके उसने और बढ़ा दिया। ठीक है, यानी कि
अब हमारे पास वीडियो जो है वो पहले 100% पे चल रही थी, अब 94% पे चलेगी, ठीक है। और इसको अगर हम और सर्च करके लेके जाएंगे तो ये जो है वो 50% पे, यानी अब देखें इसकी ड्यूरेशन 30 सेकंड्स हो गया, यानी क्लिप उतना ही है, ठीक है। लेकिन इसने वीडियो को इतना स्लो कर दिया कि वीडियो जो है वो अपने ड्यूरेशन से डबल हो गई है, और ये अब आराम आराम से बिल्कुल चलेगी। अगर मैं आपको चला के दिखाऊं तो देखें आराम आराम से वीडियो जो है वो चल रही है, पहले नॉर्मल स्पीड थी हमारे पास, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये वाली वीडियो जो है इतनी खास आपको यहाँ पे शो नहीं होगी, मैं यहाँ पे जो है वो रनिंग वाली आपको ला के दिखाता हूँ सिंपल। अच्छा उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको स्ट्रेच टूल लिया मैंने, स्ट्रेच का मतलब आपको पता है कि खींचना, ठीक है। आपने क्लिप को क्या कर देना, खींच के लंबा कर देना बस, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये पहले लेट्स सपोज हमारे पास ये था, ठीक है, और अब ये आराम आराम से देखें स्लोमो। आप यहाँ से वीडियोस को जो है वो बजाय इसके कि आप आईफोन लें या दूसरे महंगे मोबाइल लें, वहां से आप उसको स्लोमो जो है वो तैयार करें, आप यहाँ से वीडियोस को स्लो या फास्ट ट्रैक में कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने इसी वीडियो को जो है वो फास्ट करना है, मैं कंट्रोल जी करता हूँ। अब इसी वीडियो को आप चाहते हैं कि इसकी स्पीड जो है वो डबल तेज हो, ठीक है, आपने कंट्रोल आर प्रेस करना है, ठीक है। इस क्लिप को सिलेक्ट करके रखना है आपने और कंट्रोल आर प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो आपके पास इसकी जो है वो मजीद स्पीड आ जाएंगी। अगर यहाँ से आपको नहीं आ रहा था, सिंपल आप राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ये लिखा हुआ है स्पीड एंड ड्यूरेशन, ठीक है। स्पीड एंड ड्यूरेशन के ऊपर आप आएंगे तो आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन आ गए हैं। सबसे पहले स्पीड है जी 100%, ठीक है, 100% नॉर्मल मैंने आपको बता दिया। अगर आप चाहते हैं कि ये 200% हो जाए या 300% हो जाए, ठीक है, तो ये और फास्ट ट्रैक हो जाएगा, ठीक है। फास्ट ट्रैक हमारे पास ये ड्यूरेशन पूछी है कि आपने यहाँ पे ड्यूरेशन वगैरह जो है वो कितनी कहाँ तक उसकी जो है वो सेट करनी है। अब यहाँ पे ड्यूरेशन पहले 100% थी, तो ड्यूरेशन देखें यहाँ पे कितनी थी, 10 सेकंड थी, ठीक है। जैसे मैंने इसको बढ़ाना शुरू किया तो ड्यूरेशन हमारे पास क्या हो रही है, कम हो रही है, क्यों, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक हो रहा है, ठीक है। स्लोमो में आपके पास ड्यूरेशन बढ़ती है और फास्ट ट्रैक में ड्यूरेशन कम होती है, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैं इसको लेट्स सपोज 500 कर देता हूँ, 500, ठीक है, 500 करके मैं ओके करता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास क्लिप की ड्यूरेशन और छोटी होगी, ये देखें उड़ते हैं, ये देखें, ठीक है। तो क्लिप जो है वो और फास्ट हो चुका है हमारे पास, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा यहाँ पे चलते हैं स्पीड एंड ड्यूरेशन में, 500 की जगह 100 करता हूँ। अब मैं करता हूँ यहाँ पे इसकी जो है वो रिवर्स स्पीड, ठीक है। रिवर्स का मतलब है क्लिप जो है वो उल्टा चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। जैसे मैं इसको रिवर्स स्पीड के ऊपर क्लिक करके ओके करूंगा, तो ओके करने के बाद आप देखें कि वो बंदा जो है वो क्या हो रहा है, पीछे की तरफ वापिस आ रहा है, पहले वो आगे की तरफ भाग के जा रहा था, अब क्या हो रहा है, वो पीछे की तरफ भाग के आ रहा है, ठीक है। तो यूं जो है वो आप वीडियोस को रिवर्स या फिर फास्ट या फिर स्लो जो है वो आराम से सिंपल कर सकते हैं। यानी आपने इस थोड़े से देर में आपने क्या किया कि आपने कट लगाना और वीडियो को स्लोमो, फास्ट ट्रैक और जो है वो रिवर्स करना सीख लिया, ठीक है। नेक्स्ट टूल जो है वो हमारे पास, इन टूल्स को आप फिलहाल अभी छोड़ दें, इनको बाद में हम पढ़ेंगे डिटेल में। आगे नेक्स्ट टूल जो है वो हमारे पास क्या है, पेन टूल। पेन टूल वैसे ही काम करता है जैसे हमारे पास फोटोशॉप में और इलस्ट्रेटर में पेन टूल काम करता है, इसी तरह यहाँ का पेन टूल जो है वो काम करता है। मुख्तलिफ जो है हमारे पास क्या करता है, ये शेप्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये हमारे पास आपने कुछ भी बनाना है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पेन टूल को यूज़ करके वो ड्रा कर सकते हैं सिंपल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारे पास ये रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल आपको पता है कि आप सिंपल रेक्टेंगल बनाने के लिए काम करते हैं इसको, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो आप यहाँ से अगर शिफ्ट दबा के इसको दबाएंगे तो आपके पास ये क्या होगा, स्क्वायर ड्रा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है हमारे पास, अगर हम रेक्टेंगल टूल को ही प्रेस करके रखें तो आपके पास ये इलिप्स टूल है और ना साथ ही पॉलीगॉन टूल है, ठीक है। तो ये टूल जो है वो आपने इस्तेमाल यूज करना सीखे हुए हैं। ये हमारे पास हैंड टूल है, ठीक है, और जूम टूल है। हैंड टूल आपको पता है कि अगर हमारे पास जो है वो हमारा क्लिप आगे पीछे हो जाए तो हम इसको जो है वो यूज़ करके यहाँ पे ला सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये आ गया हैंड टूल, ठीक है। हैंड टूल में हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लिप को दाएं से बाएं यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये फिट है बिल्कुल हमारे सीक्वेंस के साथ, तो इसलिए जो है वो कोई चेंजिंग वगैरह इतनी खास नहीं हो रही, ठीक है। तो इतना खास इस्तेमाल नहीं होता। जूम टूल के लिए हम जूम कर सकते हैं उसको सिंपल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल से पहले जो है वो मैं आपको रेक्टेंगुलर टूल के थोड़े से प्रॉपर्टीज और बताना चाहूंगा कि आप जैसे ही यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, अब बाय डिफॉल्ट जो है वो आप देख सकते हैं कि अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं इसमें, तो इसकी जो है वो है फिल कलर जो है वो ग्रे कलर का है। अगर आप चाहते हैं तो ये वाला कलर ना आए हमारे पास, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, विंडोज में जाना है,
विंडोज में जाने के बाद आपके पास यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, एसेंशियल ग्राफिक्स। जैसे आप एसेंशियल ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमारे पास एक और नया पैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। एडिट में क्लिक करेंगे, एडिट में क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे इसके मजीद ऑप्शंस कुछ ओपन हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसको दोबारा फिट पे ले आता हूँ यहाँ पे आपको, ताकि नज़र भी आता रहे। ये जो है वो फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं ताकि हमारे पास ये यहाँ पे शो होता रहे आपको, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन है कि आपने अलाइनमेंट सेट करनी है, इसकी अलाइनमेंट आप सेट कर सकते हैं सेंट्रलाइज, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ठीक है। यहाँ से भी आप जो है वो सेंट्रली या हॉरिजॉन्टली वर्टिकली इसकी अलाइनमेंट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको मूव कर सकते हैं, ये सब कुछ आप इफेक्ट कंट्रोल में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो है वो एसेंशियल ग्राफिक्स में कुछ एक्स्ट्रा फीचर के साथ मैं आपको शो करवाना चाहता हूँ कि इसमें है क्या क्या सारा कुछ, ठीक है। यहाँ से हम जो है वो दाएं से बाएं ऊपर से नीचे कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ये जो है इसका ये एनिमेशन के लिए एंकर पॉइंट, ठीक है। फिलहाल अभी एनिमेशन की तरफ ना आ जाए तो बाद में डिटेल में आपको एनिमेशन के बारे में सिखाया जाएगा। ये जो है हमारा इसका स्केल हो गया, ठीक है। ये वही ऑप्शन है जो मैंने आपको इफेक्ट कंट्रोल में भी बताए हैं सारे, ठीक है। ये ऑप्शन जो है वो आप अपने तौर पे सारा कुछ, ये इसका एंगल हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है वो ये इसकी ओपेसिटी है, ठीक हो गया। ये सारे वही ऑप्शन है, इसमें कोई नई चीज नहीं है, सब कुछ इफेक्ट कंट्रोल में भी आपके पास यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे इफेक्ट कंट्रोल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, शेप्स के अंदर आपके ये सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं या यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं सारा। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं इसके, इसको मैं जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे वी दबा के, वी आपके लिए शॉर्टकट कमांड होती है कि आप जो है वो दोबारा सिलेक्ट टूल आपका क्या हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है। इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है जी अपेयरेंस। अपेयरेंस में आपको पता है कि जी हमारे पास जो है वो इसका ये कलर है, कलर फिल आप चेंज कर सकते हैं सारा कुछ, ठीक है। इसकी आउटलाइन फिलहाल अभी जो है वो आउटलाइन कोई नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ उसके वो आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा जुकोर करके देखें तो हमारे पास जो है वो इसके कॉर्नर पे 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। जैसे आप इसको 4 पॉइंट्स को पकड़ के ड्रैग करके अंदर लेकर आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इसके कॉर्नर जो है वो राउंड हो जाएंगे, ठीक है। ये आपने सारा कुछ अगर फोटोशॉप कभी इस्तेमाल किया हो तो आपके पास ये आपको पता है कि ये इलस्ट्रेटर, इलस्ट्रेटर सॉरी इलस्ट्रेटर में आपके पास है, यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं सिंपल, ठीक हो गया। उसके बाद जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक स्ट्रोक आ जाता है, स्ट्रोक अभी फिलहाल हमने चेक नहीं किया हुआ। जैसे आप चेक करेंगे स्ट्रोक जो है वो भी आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। आप स्ट्रोक जो है वो सिंपल यहाँ पे ओके करेंगे तो इसका स्ट्रोक भी एक ऐड हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रोक की यहाँ पे वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसको स्ट्रोक को बढ़ाते रहेंगे तो ये स्ट्रोक क्या होता रहेगा, ज्यादा होता रहेगा, ठीक है। आपने एक और स्ट्रोक ऐड करना है तो एक और स्ट्रोक आ जाएगा। उसका कलर आपने जो है वो येलो रखना है तो आप येलो कर सकते हैं सिंपल। एक और स्ट्रोक आ गया, उसकी वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो वो भी क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो अगर आपने इसको खत्म करना है तो सिंपल आप माइनस के ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ठीक हो गया। आ गया जी मास्क विद शेप, जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, मास्किंग हो गई है, ठीक है। अभी आपको मास्किंग का कुछ नहीं पता तो आप फिलहाल इसको छोड़ दें। हमारे पास ये शेडो है, इसका शेडो आपने जो है वो किस एंगल पे कैसे कैसे रखना है, ये सारे इसके वैल्यूज हैं, आप यहाँ से जो है वो अपने मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसकी ओपेसिटी है शेडो की, 90-100% हो गया। ये एंगल हो गया, किस एंगल पे आपने रखना है इसको, ठीक है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि कैसे चेंज हो रहा है हमारे पास शेडो वगैरह। उसके बाद जो है इन वैल्यूज को भी आप अपने तौर पे वैसे यूज कर सकते हैं, इतना खास ये यूज नहीं होती, आपने जहाँ पे इसको जरूरत पड़े तो आप इन वैल्यूज को भी छेड़ वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। सेटिंग वगैरह की कर सकते हैं, स्प्रेडिंग वगैरह होती है कैसे जितनी दूर तक जाना चाहिए हमारी शेप से, ठीक है। शेडो जो है वो देखें शेप से कितनी दूर तक जा रहा है ये, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन जो है वो इतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते, अगर आपने कहीं आपको डिजाइन में कहीं जरूरत पड़े तो आप वहाँ पे अपने तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा फिलहाल शेडो को जो है वो इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है उसी पे रहने दें, ठीक है। उसके बाद हम स्ट्रोक भी खत्म करते हैं, फिल को जो है वो हम क्या करते हैं। अच्छा, फिल के अंदर जो है वो आपके और भी ऑप्शन है। फिल के अंदर एक तो हमारे पास सॉलिड कलर कर सकते हैं, और उसके बाद ये लीनियर ग्रेडियंट है और रेडियल ग्रेडियंट है, ठीक है। पुराने वर्जन में ये नहीं है ये ऑप्शन, ठीक है। 2021 में भी नहीं है, 2022 में भी है, और 2023 में भी है, ठीक है। तो आपने जो है वो देख लेना यहाँ पे, कभी आप कहें कि ये वाले ऑप्शन हमें शो ही नहीं हो रहे, ठीक है।
लीनियर ग्रेडियंट आपको पता है कि अगर आपने फोटोशॉप यूज किया हुआ है तो आपके पास वहाँ पे जो है वो लीनियर ग्रेडियंट में हमारे पास ये ग्रेडियंट कलर आ जाते हैं। ग्रेडियंट कलर का अगर आपको नहीं पता तो सिंपल मैं आपको बता दूँ कि ग्रेडियंट के अंदर आपके पास मल्टीपल कलर जो है वो आपस में मैच हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास ग्रे कलर है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं इसको हल्का सा रेडिश करते हैं और यहाँ से जो है वो हम क्या करते हैं इसको येलोइश कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास ये कुछ यू का रेडियंट जो है वो ड्रा हो गया। ठीक है, जैसे आप ओके करेंगे तो ओके जो है वो आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू को कम या ज़्यादा करना चाहें तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं सारा कुछ। ठीक है, यहाँ पे ये इसके ऊपर इनका इंडिकेटर आ गया, आप यहाँ से वैल्यू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँ तो रेडियल की तरफ आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल इसको रेडियल में चेंज करेगा। रेडियल होता है कि सेंटर में आपके पास एक एंगल बना हुआ होता है। ठीक है, अगर रेड कलर का जो है वो रेडियल बन गया, सेंटर में ये गोल है। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा ओके करने के बाद इसको मैं साइड पे कराऊँ तो आप देख सकते हैं सेंटर में हमारे पास क्या है जी, रेड कलर का रेडियल बन गया। ठीक है, और साइडों में इसके क्या हो गया, ये कलर हो गया। ठीक है, ये इतना खास नहीं लग रहा, आप इससे बेहतरीन अपने तौर पे बना सकते हैं सारा कुछ। अगर आप अपने बैकग्राउंड को बनाना है तो बैकग्राउंड बना सकते हैं सिंपल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी ग्राफिक्स की एक सिंपल लेयर थी। इसी तरह आप सर्कल के साथ भी कर सकते हैं और एलिप्स के साथ भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है हमारे पास टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल क्या होता है, सिंपल टेक्स्ट टूल है आपके पास, बाकी सारे सॉफ्टवेयर में भी ये पाया जाता है। टेक्स्ट टूल और पेन टूल और ये रेक्टेंगुलर टूल, ये तकरीबन आप ये समझें अडोबी के सॉफ्टवेयर में सेम होते हैं। ठीक है, इसमें कोई इतना खास जो है वो काम नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास सारी इसकी प्रॉपर्टीज टेक्स्ट की यहाँ भी ओपन हो जाएंगी और यहाँ पे भी हमारे पास ये क्या हो गई हैं, ओपन हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये सारी इसकी ओपन हो चुकी हैं वैल्यूज। अब जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट में कुछ भी लिखना लगूंगा, लेट्स सपोज मैंने टूल से पहले मैं आप इसमें ना बैकग्राउंड पे एक सॉलिड लेयर बना लेता हूँ ताकि हम टेक्स्ट जब लिखें तो आपको सही नजर आ रहा हो। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, इसको एक ब्लैक वीडियो बना लेते हैं सिंपल। ब्लैक वीडियो मैंने ओके की यहाँ पे और यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करके गया। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पे टेक्स्ट टूल जो है वो सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज इसकी ओपन हो चुकी हैं और यहाँ पे भी आप इफेक्ट कंट्रोल में भी इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सारी इसकी प्रॉपर्टीज एज इट इज शो हो रही हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, या आप एसेंशियल ग्राफिक्स में करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं सिंपल। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, ये डेमो क्लास पे। ठीक है, इसको जैसे आप यहाँ पे सेंट्रलाइज करेंगे तो सेंट्रलाइज यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास फ्रेम के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका आप टेक्स्ट यहाँ से भी खींच के बड़ा कर सकते हैं, उसके बाद जो है वो आप यहाँ से भी स्केल इसको कर सकते हैं। ठीक है, स्केल काम या ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे है, तो इस एंकर पॉइंट के मुताबिक ये क्या कर रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, आप एंकर पॉइंट इसका सेंटर में ले आए ताकि जो है ये यहाँ से सेंटर से क्या हो, ज्यादा या छोटा या बड़ा हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जो है इसको फिलहाल हम यहाँ पे रख लेते हैं, जहाँ पे आप इसको सेंटर में रखेंगे वहीं से ये क्या हो जाएगा, अपने आप को इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये साइज है इसका, साइज आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप साइज भी बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप यहाँ से 100 इसका रखें या 100 तक इसको सेंट्रलाइज दोबारा कर लें आप। ठीक है, ये सेंट्रलाइज हो गया हमारे पास सिंपल। अच्छा, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद नीचे इसके और ऑप्शन हैं, इसको आपने यहाँ पे सेंटर लाइन करना है या फिर आपने लेफ्ट लाइन करना है या राइट लाइन करना है वो कर सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद जो है वो सेंटर टेक्स्ट वर्टिकली, और ये फिलहाल अभी इसको छोड़ दें, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो ट्रैकिंग है, ये हमारे पास कर्निंग है, ये सब कुछ वही ऑप्शन है जो आप फोटोशॉप में भी यूज़ करते होंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, ट्रैकिंग क्या करता है हमारे पास फिलहाल अभी, ये नहीं जी ये काफ़ी बाहर जा रहा है। ठीक है, ट्रैकिंग क्या करता है हमारे पास, ये समझ लें कि आपके पास लेटर्स जो हैं उसके दरमियान स्पेस को क्या कर रहा होता है, बढ़ा रहा होता है। ठीक है, कर्निंग क्योंकि अभी फिलहाल शोर नहीं हो रही तो इसको भी आप छोड़ दें, ये हमारे पास यहाँ पे इसके ऊपर काम नहीं करेगा क्योंकि ये एक से ज़्यादा लाइन्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो इन सबको जो है वो आप अपने तौर पर सेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास बोल्ड के लिए है। ठीक है, अगर आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो बोल्ड कर सकते हैं, इटालियन है, इटैली के बाद आपने उसके जो है वो अपर केस करना है या फिर आपने पहला लफ्ज जो है वो बड़ा रखना है, बाकी छोटे रखने हैं। ठीक है, होंगे वो अपर केस ही, लेकिन ये सारे सेटिंग आगे अपने आप तौर पे आप क्या कर सकते हैं, सेट आउट
कर सकते हैं, ठीक है। ये वही फिल ऑप्शन है, फिल ऑप्शन मैंने आपको एक टाइम में बता दिया सारा कुछ, ठीक है। वही ऑप्शन है इसके अंदर, वही कलर है सारे, वही लीनियर ग्रेडियंट हो गया, वही आप ग्रेडियंट वगैरह इसमें कर सकते हैं, वही जो है वो सारा कुछ आप सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रोक आ गया, बैकग्राउंड है इसके ऊपर, बैकग्राउंड का एक न्यू ऑप्शन है, तो बैकग्राउंड का कलर मैं कलर आपको थोड़ा सा येलोइश करके दिखाऊं तो आपको नजर आएगा। ये बैकग्राउंड जो है वो क्या करता है, जितना टेक्स्ट होता है ना, ठीक है, उतना बैकग्राउंड जो है वो इतना हाईलाइट हो जाता है ऐसा, ठीक है। तो ये एक न्यू ऑप्शन है, आप इसकी यहाँ से सेटिंग चेंज कर सकते हैं। शेडो अगर आपने करना है शेडो कर सकते हैं, मास्क अभी फिलहाल अभी छोड़ रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, सिंपल टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज कुछ आपने यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हैं। ये कुछ हमारे पास टेक्स्ट क्या हो गया, ये भी हो चुके हैं, ठीक है। तो कुछ टूल इसके रह गए हैं, वो टूल जो अब मैं आगे जाके आपको सारा बताऊंगा, ठीक है। आप इसकी ड्यूरेशन वगैरह कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं सिंपल टेक्स्ट की। अब टेक्स्ट की ही थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। जब आप टेक्स्ट की बात छेड़ गई है तो आपको टेक्स्ट जो है वो मुकम्मल तौर पे यहाँ पे क्या करते रहता है समझा देते हैं, ठीक है। एक और मैं वीडियो को जो है वो यहाँ पे लेकर आता हूँ सिंपल। यहाँ पे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स, नेपियर वीडियोस, और यहाँ से ये वाली वीडियो, ये वाली वीडियो जो है वो मैं यहाँ पे इसको ले आया हूँ, ठीक है। ये मेरी ही वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, मैंने इसमें जो है वो थोड़ा सा इंग्लिश के अंदर चैनल के बारे में बताया हुआ, ठीक है। तो आपने जो है बस सिर्फ ये एग्जांपल के लिए मैंने रिकॉर्ड किया, छोटी सी वीडियो है, इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं है। तो आपने ये वीडियो मैंने आपको इसलिए बताया कि 2023 के अंदर एक हमारे पास न्यू फीचर आया है, वो क्या है, और 2022 में भी है, ठीक है। अडोबी प्रीमियर 2022 में और 2023 में जो है ये हमारे पास स्पीच टू टेक्स्ट का ऑप्शन, ठीक है। आपने नीचे कभी कभार देखा देखा होगा वीडियोस के नीचे सबटाइटल आ रहे होते हैं, ठीक है। तो वो सबटाइटल जो है वो यूट्यूब जो है, अगर आप इंग्लिश में रिकॉर्ड किए हुए वीडियो तो आपके जो है वो ऑटोमेटिकली सबटाइटल जनरेट हो जाते हैं। अगर आपने किसी और लैंग्वेज में रिकॉर्ड की हुई है तो है वो आपको सेपरेटली मैनुअली आपको क्या करना पड़ता है, वो टाइटल लिखने पड़ते हैं। लेकिन इस अडोबी ने प्रीमियर ने ये भी काम हमारे लिए आसान कर दिया कि सबटाइटल जो है वो आपका ये खुद जनरेट कर देगा, ठीक है। आपने सिर्फ बोलना है, बोलने के बाद आपने क्या करना है, लेट्स सपोज ये वाली हमारे पास वीडियो है, यहाँ पे ये देखें आपके पास कैप्शन ट्रैक ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये एक न्यू ऑप्शन आ गया इसका, ठीक है, 2022 में, और उससे पहले वाले वर्जन में ये नहीं है, ठीक है। उसमें सेपरेट टेक्स्ट लिखना पड़ता था, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रही है, सिंपल टेक्स्ट है। अच्छा, मैं आपको लेके चलता हूँ कि टेक्स्ट टूल में हम सिंपल यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आपके पास ये विंडोज में टेक्स्ट का ऑप्शन शो हो रहा है, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपके पास ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, शो होना शुरू हो गया। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये हमारे पास टेक्स्ट का सारा ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन इसका क्या है, कैप्शन, आपने क्या करना है, ट्रांसक्रिप्ट में चलना है और क्रिएट ट्रांसक्रिप्शन, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से हमारे पास ये क्या पूछेगा, इसकी 37 सेकंड्स की क्या है ये सीक्वेंस लेंथ है, ठीक है। 37 सेकंड की मेरे पास ये वीडियो है। उसके बाद ये क्या पूछ रहा है जी, लैंग्वेज कौन सी आपने रखनी है, लैंग्वेज कौन कौन सी है, इंग्लिश है, यूएस की है, ठीक है, सिंपल यूके की इंग्लिश है। उसके बाद जो है ये हमारे पास स्पेनिश है, जर्मन है, फ्रांस है, ठीक है, फ्रांसी है, इटालियन है, रशियन है, और हिंदी है, ठीक है। अगर हिंदी में अगर आप चाहते हैं कि हिंदी में अपने सब टाइटल जो है वो जनरेट करने हैं तो आप हिंदी में कर सकते हैं। मैं चाहूँगा पहले आपको इंग्लिश में करके दिखा दूँ, बाद में हिंदी में, क्योंकि हमारी जो है वो जुबान उर्दू है, तो उर्दू में इन्होंने कोई ऑप्शन दिया भी नहीं है, ठीक है। तो मैं इंग्लिश में आपको करके दिखाऊंगा। आपने क्या करना है, ऑडियो ऑन ट्रैक इसको क्लिक करके रखना है, और सिंपल यहाँ पे ये इसको मिक्स ही रहने दें, आप ऑडियो वन फिलहाल अभी छोड़ दें इसको, और कुछ भी नहीं आपने इसमें से छेड़ना। सिर्फ आपने लैंग्वेज अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ट्रांसक्राइब कर देना आपने, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद ये हमारे पास क्या होगा, वीडियो में जहाँ जहाँ पे जो जो हमने बोला हुआ होगा उस लैंग्वेज के मुताबिक ये क्या करेगा, हमें ऑटो जनरेट जो है वो कैप्शन जनरेट कर देगा, ठीक है। और अभी ये थोड़ा सा जनरेट हो रहा है, जितनी लेंथ की आपकी वीडियो होगी उतना ही ज़्यादा टाइम लेगा, और कुछ आपके जो है वो कंप्यूटर के स्पेसिफिकेशन पे के ऊपर भी होगा, ठीक है। ये यहाँ पे कितना टाइम आपसे ले सकते हैं, ठीक है, ये ले ली, ओह सॉरी। अब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया स्पीकर वन, और यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी आपने चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्ले करके देखें, यहाँ पे चैनल की जगह इसने एजेंडा लिख दिया, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चैनल, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, चैनल इसको चेंज कर दें, ठीक है। इन दिस शो, ये इन दिस शो कर दिया इसने, यहाँ पे भी आप चेंज कर दें कि ये जो है चैनल है, ठीक है। यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट एडोबी फोटोशॉप प्रीमियर प्रो की जगह इसने पेमेंट प्रो कर दिया, ठीक है। तो ये जो है वो
वॉइस के ऊपर वो करता है, तो थोड़ी सी इसमें मिस्टेक्स वगैरह आ जाती हैं, तो आपने वो यहाँ से क्या कर लेनी है, सही कर लेनी है। अच्छा, यहाँ से अगर आपसे मिस्टेक नहीं पकड़ी जाती है, लेट्स सपोज आपके पास वीडियो जो है वो काफी लेंथी है, तो आपने क्या करना है, इसको मैं आपको आगे फर्दर बताता हूँ कि आप कहाँ से कर सकते हैं इसको। ये मैं इसको प्रीमियर प्रो कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल। उसके बाद जो है वो प्रीमियर प्रो एंड ऑल द नहीं है, एंड आफ्टर इफेक्ट है, एंड ठीक है आफ्टर है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन अमेरिकन है, ये अमेरिका की जगह बेल आइकॉन है, ठीक है, यानी कि आप बेल आइकॉन को क्लिक करें सिंपल, और एंड यू विल गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अबाउट माई न्यू वीडियोज, थैंक यू। ठीक है, तो यानी कि आप जैसे बेल आइकॉन को क्लिक करेंगे तो आपके पास न्यू वीडियोज शो होंगी। ये सिंपल मैंने एक वीडियो जो है वो एक सैम्पल के तौर पर रिकॉर्ड किया अभी, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ सारा कुछ। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, आ गया, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे शो हुआ है, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कैप्शन, क्रिएट कैप्शन के बाद हमारे पास ये क्या हुआ, एक और न्यू, जैसे हमारे पास ये विंडो जो है वो पॉप अप होगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से आपने कोई भी सेटिंग नहीं छेड़नी, इसमें सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ से आप, और इसको मैं थोड़ा सा रेगुलर कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो फॉन्ट शो होता है, शेडो इसका, यहाँ पे आप सिंपल टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज है, शेडो आप लगाना चाहते हैं तो लगा रहे हैं, नहीं लगाना चाहते तो उसको गायब कर दे सिंपल, ठीक है। ये हमारे पास है जी जोन अलाइन एंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है, यहाँ पे हम, ये हमारे पास 9 जोन शो हो रहे हैं, ठीक है। आपने जो है वो इस फ्रेम के, इस वीडियो के टॉप पे शो करवाना ही है तो टॉप पे शो हो जाएगा, सेंटर में शो करवाना है तो सेंटर में शो हो जाएगा, लास्ट पे शो करवाना है बॉटम पे तो बॉटम पे शो कर देगा, ठीक है। यहाँ ये आप इसको क्लिक करेंगे तो इस साइड पे शो होगा, ठीक है। ये आपके पास सिंपल पूरे पेज की जो है वो क्या हो जाएगा, ये शो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप जो चाहेंगे इसका साइज का नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बाकी टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है, अगर आपने फुल इसको वो करना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट भी वो कर सकते हैं कि अपर केस लगाना है, लोअर केस लगाना है, या कुछ भी लगाना है, ठीक है। आपने स्ट्रोक रखना है इसका स्ट्रोक रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बैकग्राउंड रखना है तो बैकग्राउंड भी रख सकते हैं। वैसे जो हमारे पास आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर सबटाइटल होते हैं, उसका बैकग्राउंड भी ब्लैक कलर का चल रहा होता है साथ साथ, ठीक है। और हमारे पास स्ट्रोक लगाना, शेडो लगाना या कुछ भी आपने लगाना है तो आप वो यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे प्ले प्ले हेड हमारा चलता रहेगा और आगे हमारे पास ये शो होते रहेंगे, आप सिंपल यहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है, टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। ये ना हो कि आप जो है वो यहाँ से सिलेक्ट टूल लिया वो और आप जो है वो आप देख रहे हो कि ये सिलेक्ट ही कोई नहीं हो रहा, आपने टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये टेक्स्ट को हम चेंजिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट को आपने यहाँ से चेंजिंग करने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो आपका जो है वो क्या हो जाएगा, पूरा शो होने लग जाएगा, ठीक है। तो इसने देखें बॉक्स जो है वो हमारे पास डबल लाइन के मुताबिक ही सारा ड्रॉ किया हुआ है, लेकिन यानी कि इसने जो बाउंड्री बनाई हुई है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसमें हमारे पास सिर्फ एक सिंगल करेक्टर जो है वो जो जो हम बोल रहे हैं, ये सिंगल करेक्टर या डबल करेक्टर, डबल वर्ड जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, शो कर रहा है, क्योंकि हमने इसकी लेंथ जो है वो मैक्सिमम से मिनिमम की हुई है, ठीक है। तो आप मैक्सिमम करना चाहते हैं तो मैक्सिमम कर सकते हैं सिंपल। अच्छा, उसके बाद जो है वो यहाँ से जो है वो 42 है, ठीक है। अब यहाँ से कम या ज्यादा जितनी में आप कम करें तो कम कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद मैं इस पैनल को बंद करता हूँ, हमारे पास टेक्स्ट टूल वाला पैनल भी क्या हो गया, खत्म हो चुका है। यूं जो है वो आप वीडियोस में क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं या सब टाइटल वगैरह आप आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं कुछ एडिटिंग की तरफ, आपको थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह बता देते हैं कि एडिटिंग आप कैसे कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज मैं एक ही वीडियो ये ले लेता हूँ, एक वीडियो यहाँ पे मैं ये ले आया, ठीक है, और एक वीडियो जो है वो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक वीडियो जो है वो मैं यहाँ से वीडियोस में ले से फिलहाल ये लेता हूँ, ठीक है। ये नहीं, मैं जो है वो इन्हीं वीडियोस में से ले लेते हैं कुछ जो हमारे पास हैं, ये सिंपल ब्लैक वीडियो ले आता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास ब्लैक वीडियो क्या आ गई, ऊपर आ गई, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको कंट्रोल एल
कंट्रोल एल जो है वो आपको अनलिंक करने के लिए, यानी ऑडियो और वीडियो को अनलिंक करने के लिए यूज होता है। सिंपल इसको मैं ऊपर ले आता हूँ खींच के, इसको मैं नीचे ले आता हूँ यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि यूट्यूबर्स की हमारे पास पिक्चर इन पिक्चर शेप बनी हुई होती है, ठीक है, यानी बैकग्राउंड में उनके पास कंप्यूटर की स्क्रीन चल रही होती है और नीचे जो है वो छोटी सी उनके पास क्या हो रही होती है, उनकी अपनी पिक्चर चल रही होती है जिसमें वो बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इसकी जो है वो सेम टू सेम वही बन जाए हमारे पास इस ब्लैक वीडियो के ऊपर, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इफेक्ट्स कंट्रोल में जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इफेक्ट्स कंट्रोल मैंने ओपन किया, इफेक्ट्स कंट्रोल में आने के बाद यहाँ पे आपने जिस वीडियो को पिक्चर इन पिक्चर करना है, ठीक है, आपने क्या करना है इसको सिंपल यहाँ पे, ये हमारे पास कुछ मास्किंग है। अब मास्किंग की तरफ हम आ रहे हैं कि मास्किंग क्या होती है, ठीक है। आप हमारे पास मास्किंग करने के लिए तीन ऑप्शन है, सिंपल आपके पास पेन टूल है, आपके पास जो है वो एक रेक्टेंगुलर टूल है और आपके पास एक इलिप्स टूल है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर आप इसके ऊपर पेन टूल के ऊपर क्लिक करेंगे और पेन टूल सॉरी ये इसके ऊपर रेक्टेंगुलर टूल के ऊपर, तो हमारे पास ये मास्क बना देगा। मास्क में क्या होगा कि वीडियो जो है ना इस मास्क के अंदर चली गई है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं इसको ऊपर नीचे करता रहूंगा तो हमारे पास सिर्फ मास्क वाली एरिया शो हो रहा होगा, बाकी सारी वीडियो क्या होगी है गायब हो चुकी है, ठीक है। बैकग्राउंड में हमारे पास ब्लैक वीडियो थी तो इसलिए वो वीडियो जो है वो हमें शो नहीं हो रही, ठीक है। मैं ब्लैक की जगह कोई और वीडियो आपको यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ, ये रनिंग की वीडियो जो है हमारे पास ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो और प्ले हेड को यहाँ पे ले आते हैं। अब ये देखेंगे ये हमारे पास जो है वो मेरी अपनी वीडियो है, ठीक है, और ये जो है वो रनिंग की वीडियो है, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर मास्क के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये मास्क जो है वो शो हो रहा होगा, ठीक है। इसके आपने मास्क को इंक्रीज करना है तो आप जैसे जैसे इसके कॉर्नर्स को पकड़ के आप क्या करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे तो आपके पास मास्क की बाउंड्री जो है वो क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास कुछ मास्क जो है इतना खास महसूस नहीं हो रहा ना इतना हमें मजा आ रहा है, हम क्या करते हैं कंट्रोल जी दबा के वापिस उसको लेकर आते हैं। आपने क्या करना है सिंपल, आपने इन दोनों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद जो है वो शिफ्ट दबा के ना आपने शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, ठीक है। शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, यहाँ से आप क्या करना है इसको ड्रैग करना है, ठीक है। इस तरह आपने जो है वो यहाँ से आपने शिफ्ट दबा के सिंपल इसको शिफ्ट दबा के आपने यहाँ से क्या करना है इसको ड्रैग करना है, ठीक है। आपने कॉर्नर को नहीं पकड़ना, ठीक है, कॉर्नर के साइड पे आपने जैसे लेके जाएंगे ना आपके यहाँ पे, आप ये देखें कि हैंडल जो है वो हमारे पास क्या हो गया, चेंज हो गया। जैसे आप शिफ्ट दबाएंगे तो हैंडल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। मैंने शिफ्ट को छोड़ दिया, अब देखें यहाँ पे ये रोटेट कर रहा है, ठीक है, इसको रोटेट कर रहा है। रोटेट नहीं करना आपने, ठीक है, आपने क्या करना है सिंपल, आपने इसके कॉर्नर पे लेके जाना है इसके हैंडल के, ठीक है, इसको थोड़ा सा बाहर लेके जाएंगे तो आपके पास ये रोटेट का ऑप्शन आ जाएगा। शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे आप इसको ड्रैग करना स्टार्ट करेंगे तो ये हमारे पास खुद ब खुद क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। हमने ये नहीं करना, हमने क्या करना है इसको मास्क को क्या करते हैं हम डिलीट करते हैं सिंपल, इस मार्क को हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। मैं लेता हूँ जी सर्कल वाला, ठीक है, मैं सर्कल वाला ले लेता हूँ यहाँ पे। अब सर्कल जो है वो आपके पास एग्जैक्ट सर्कल नहीं है ये, ठीक है, ये आपके पास क्या बना हुआ है एक बेजवी शक्ल बनी हुई है, कोई अंडे जैसा शक्ल बनी हुई है, हमें चाहिए एग्जैक्ट सर्कल। आपने क्या करना सिंपल शिफ्ट दबाना, शिफ्ट दबाने के बाद आपने इसको ड्रैग करना है। जैसे आप ड्रैग करते रहेंगे तो आपके पास ये क्या होता रहेगा, जैसे आप ड्रैग करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, मुकम्मल एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने जहाँ पे लाके रखना है यहाँ पे आप रख सकते हैं। रखने के बाद आपने इसके फैदर जो है वो बिल्कुल कम कर देना है ताकि हमारे पास इसके किनारे जो है बिल्कुल स्मूथ हो जाए, ठीक है, शार्प हो जाए यानी कि। उसके बाद अगर आप इन्वर्ट करेंगे तो इन्वर्ट में क्या होगा कि ये वाली हमारे पास जो इन्वर्ट का मतलब होता है ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड को इसमें ले आएगा, यानी उल्टा कर देगा सिंपल। पहले इस वीडियो में मास्क था, अब इस वीडियो में मास्क हो गया, ठीक है। तो हमने ऐसा नहीं करना सिंपल, यहाँ पे मैं ऐसे ले आता हूँ इसको और यहाँ पे ऐसे में रखता हूँ इसको मास्क को, ठीक है जी। मास्क का ऊपर का थोड़ा सा ऐसा कट गया क्योंकि वीडियो जो है वो ऐसे ऐसी रिकॉर्ड हुई है, सेम क्या छोड़े हमें क्या है। अच्छा, उसके बाद जो है वो मास्क ओपेसिटी आपने कम करनी है या ज़्यादा करनी है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो मास्क एक्सपेंशन, आप कितना मास्क को और बढ़ाना चाहते हैं, आप मास्क को आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो इंक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। डिक्रीज करना चाहते हैं तो आप डिक्रीज भी कर सकते हैं सिंपल, ठीक हो गया। अच्छा, और उसके बाद इसमें और कोई ऑप्शन कोई नहीं है, हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा स्केल डाउन करते हैं ताकि ये वीडियो जो है मास्क के अंदर रहते रहते ही छोटी हो जाए। और यहाँ पे आपने ला के इसको, यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमारे पास
यूं वीडियो चल रही होती है, अगर मैं उसको प्ले करूं तो आपके पास यहाँ पे एक वीडियो बैकग्राउंड में कंप्यूटर की शो हो रही होती है, और कुछ यूट्यूब पर जो है वो ये हमारे पास फोर साइडेड फोर पॉइंट पॉलीगॉन करते हैं यूज, ठीक है, कुछ जो है वो इलिप्स करते हैं यूज। अच्छा, अब आपने देखा होगा इसके बैकग्राउंड के अंदर हमारे पास एक और येलो कलर का जो है वो, येलो कलर का क्या होगा, इसकी आउटलाइन होती है हमारे पास मास्क की, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे हम, सिंपल आपने क्या करना है, एक यहाँ से इलिप्स ड्रॉ करना है, शिफ्ट दबाने के बाद आपने शिफ्ट दबाना है और इसको यहाँ के क्या करना है, सर्कल को ड्रॉ कर देना है, ठीक है। जैसे आप ड्रैग करेंगे तो आपके पास एक कंप्लीट सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। आपने इसको यहाँ पे पकड़ के सेंटर में यहाँ पे रख देना है और इसको नीचे ले आना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये वाला जो है ऊपर वाला, थोड़ा सा वीडियो ऐसे से रिकॉर्ड हुई है बनी है तो इसलिए जो है वो यूँ आपके पास ये शो हो रहा होगा, ठीक है। आपका ये ऊपर का वीडियो जो है थोड़ा सा कट गया इसका, इसलिए आपको यूँ का शो हो रहा है, ठीक है। तो इसका कलर आपने चेंज करना है, तो कलर आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे शेप टूल में आ जाए, आप कलर जो है वो येलो कर दें, सिंपल येलो हो जाएगा। और यहाँ से आपके पास इसको जो है वो आप इसका मास्क कम कर दें, ठीक है। जैसे आप इसका मास्क या इसका मास्किंग थोड़ी सी कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास, इसको फिर आप जो है वो अपने तौर पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। और सेट करने के बाद जो है वो आप अपनी वीडियो के जो मास्किंग है उसका स्ट्रोक बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, आप पुरानी वीडियोस मेरी अगर आप निकाल कर देखें तो आपके पास ये पता लग जाएगा आपको कैसे ये मास्किंग वगैरह बनती है सारी। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ और इन सबको मैं क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या था, किसी भी वीडियो को मास्क वगैरह करने का तरीका। नहीं, आगे हम जो है वो मैं आपको कुछ कलर ग्रेडिंग के बारे में बता देता हूँ कि अगर हमारे पास वीडियो में कहीं कलर करेक्शन की ज़रूरत है तो हम कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं जो है वो एक यहाँ से वीडियो ले आता हूँ, वीडियो वीडियो सपोज लेट्स सपोज मैं यहाँ से ले लेता हूँ उसको, सैम्पल पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से जो है वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा कि आप कैसे जो है कलर करेक्ट कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं है, जो भी मैं आपको वैल्यूज़ बताऊँगा आपने वही सेट रखनी है इसकी, ठीक है। आपकी वीडियो की लाइटिंग या कलर वगैरह डिफरेंट हो सकते हैं, तो आपने जो है वो अपनी वीडियो के मुताबिक सारा कुछ सेट करना है, ठीक है। सेम टू सेम जेने वाली वैल्यूज आपने सेट नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसको जब मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ वीडियो को, सिंपल मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करते हैं, विंडोज़ में जाना है आपने, विंडोज़ में जाके यहाँ पे आपके पास आ रहा है ज्योमेट्री कलर, ठीक है। ज्योमेट्री कलर में जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके पास एक पूरा एक न्यू पैनल ओपन हो जाएगा। न्यू पैनल को मैं साथ साथ ओपन कर देता हूँ। ये मेरी पहले वाली जो है, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि सोर्स पैनल में ओपन है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास प्रोग्राम विंडो में, जो भी हम यहाँ से चेंजिंग करेंगे वो सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, ये इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको, ये हमारे पास कर्व ओपन है। उसके बाद जो है वो मैं आपको यहाँ पे कर्व्स बंद करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं बेसिक करेक्शंस के ऊपर, ठीक है। बेसिक करेक्शन के ऊपर ये है वो इनपुट लट, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आपने जो है वो फिलहाल अभी छोड़ दें इसको, क्या होता है, ठीक है। क्योंकि इसमें अपने आपने कोई भी जो है वो इम्पोर्ट नहीं की है। सिंपल आपने क्या करना, व्हाइट बैलेंस, व्हाइट बैलेंस को आप यहाँ से सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी कलर के ऊपर ये आप क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिकली कुछ थोड़ा बहुत बैलेंस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल जी करूँ तो ये वापस आ जाएगा। और उसके बाद जो है अगर आप इसको लेके ब्लू के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, अब ये देखें तो इसने क्या कर दिया है, सारे ही कलर जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आपने जो है वो किस कलर को करेक्ट करना है, किसको जो है वो थोड़ा सा चेंजिंग वगैरह करनी है। ये हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आपने यहाँ पे ज़्यादा गर्मी करनी है तो गर्मी कर सकते हैं, अगर आपने सर्दी करनी है तो आप यहाँ पे सर्दी भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये आपके ऊपर है कि आपने यहाँ पे इसको सेट रखना है, अगर आपने थोड़ा सा इसको सेटअप करें तो ये यूँ भी बन सकता है। तो ये देखिए हमारे पास ये ओरिजिनल है और ये वाला जो है वो चेंज होने के बाद है, ठीक है। उसके बाद इसको भी मैं कंट्रोल जी कर देता हूँ सिंपल। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसकी पेंट वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये सैचुरेशन वगैरह को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ से आप एक्सपोजर, लाइट वगैरह सारा कुछ, कंट्रास्ट है, हाईलाइट है, शेडोज वगैरह हैं,
वाइट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ब्लैक्स अगर आपकी वीडियो में कहीं आया तो उसको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, आपने अपनी वीडियो के मुताबिक जो है वैल्यू को कम या ज़्यादा करके देख लेना, ये देखें क्या क्या चेंजिंग हो रही है, आप यहाँ से इसको खेल सकते हैं, अपने आप पे सारे चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको फिलहाल सेट करता हूँ, मुझे अभी ये फिलहाल कोई नहीं चाहिए, मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद हम आ जाते हैं जी आगे, हमारे पास है क्रिएटिव। क्रिएटिव के अंदर हमारे पास इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कम या ज़्यादा कर सकते हैं इंटेंसिटी को। उसके बाद जो है वो हमारे पास ये एडजस्टमेंट है एडिट फिल्म, ये हम वैल्यू को देखें ये क्या हो गया वीडियो का सारा। ठीक हो गया, मैं जो है वो फिलहाल के लिए जैसे पहले था वैसे ही चेंज कर रहा हूँ इसको। ठीक है, मैं कुछ भी नहीं चेंज कर रहा इसका। वाइब्रेंस वगैरह को आप सेट कर सकते हैं, सैचुरेशन को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सैचुरेशन कम की है तो देखें इसके जितने भी कलर्स हैं वो सारे क्या हो गए, गायब हो गए। तो आप जो है वो अपने मुताबिक आप चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास शेडो टिंट है, ये हाईलाइट टिंट है, इसके कलर को आप यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हैं। ये प्लस का निशान जो है आप कहीं भी इसको क्या कर सकते हैं, ड्रॉ खींच के ऐसे लेके जाएंगे तो देखें ग्रीन पार्ट के ऊपर लेकर आए तो वीडियो के अंदर थोड़ा सा ग्रीनिश आ गया। ठीक है, येलो की तरफ लेके जाएंगे तो आप येलो ही शाद देगा थोड़ा सा। जैसे आप कलर जिस कलर के ऊपर लेके जाएंगे तो उसमें क्या करेगा, टिंट जो है वो ऐड करता रहेगा। टिंट का मतलब आपको पता है कि सिंपल कलर ही होता है ये। ठीक है, तो इसको फिलहाल मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। अब उन्हें हाईलाइट चेंज करनी है तो हाईलाइट भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं। ये देखें थोड़ा सा ब्लूइश आ गया, जैसे हमने भी टेम्परेचर कम करके देखा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो टिंट बैलेंस आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ से और भी वैल्यूज के साथ आप खुद ही प्ले कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आपकी वीडियो किस किस्म की है, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं हम कर्व्स की तरफ। ठीक है, सबसे पहले जी हमारे पास आरजीबी कर्व्स। आरजीबी कर्व्स के अंदर आपके पास ये यहाँ पे क्या हो गया, ओपन हो चुकी है। ठीक है, अगर आपकी वीडियो के अंदर कुछ वाइट जो है रोशनी ज़्यादा है तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको इस लाइन को थोड़ा सा खींच के जब नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो आपकी वीडियो में क्या होता रहेगा, अंधेरे की तरफ अंधेरा आता रहेगा। ठीक है, ये देखें अंधेरा जो है हमारे क्या हो रहा है, पूरी वीडियो के अंदर क्या हो गया, ब्लैकिश हो गया। ठीक है, यानी इसने व्हाइट कलर को सारे को रिमूव कर दिया। जैसे आप इसको लाइन से ऊपर लेके जाएंगे, अच्छा जैसे आप इस लाइन से कर्व को ऊपर लेके जाएंगे तो ये देखें आपका व्हाइट के एरिया को क्या कर देगा, ये इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो आपने जो है वो यहाँ से देख लेना कि अगर आपका व्हाइट ज़्यादा है तो आपने अपने सिर्फ थोड़े से इसको जो है वो नीचे लेकर आएंगे तो इसमें अंधेरा जो है वो यानी कि वाइट जितने भी होंगे वो आपके क्या कर देगा, ये खत्म कर देगा। ठीक है, इसी तरह के जब आप रेड कलर के साइन को यूज़ करेंगे तो जितने भी यहाँ पे रेड जो है वो नीचे लेकर आएंगे तो क्या करता रहेगा, वो कम करता रहेगा। देखें इसने जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लेकर आएंगे तो बिल्कुल ही इसने क्या कर दिया, बढ़ाई कर दिया। ठीक है, ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या करेगा, रेड को इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, तो हमारी वीडियो में चूंकि ये वाले कलर्स नहीं है तो इसलिए जो है वह हम बाकी कलर्स को क्या करते हैं, छेड़ते नहीं है। ठीक हो गया, उसके बाद जो है वो ह्यू सैचुरेशन कर्व्स हैं हमारे पास, ये यहाँ पे आप जब आएंगे उसके बाद यहाँ पे आप जो भी चेंज करेंगे वो भी आपकी क्या होता रहेगा, चेंज वगैरह होता रहेगा। ठीक है, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इन फिलहाल कलर्स को आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक सिर्फ सेटिंग को चेंज करें, अदरवाइज जो है वो इनको आप ना छेड़ें। ठीक है, तो आप कलर ग्रेडिंग यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, कलर करेक्शन कर सकते हैं, अगर आपके कोई कलर ऐसे आ गए हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, चेंज वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ कि ये कलर व्हील्स हैं। ठीक है, इनकी वैल्यूज़ का जब आप चेंज करते रहेंगे तो यहाँ पे क्या होता रहेगा, थोड़ी बहुत चेंजिंग आती रहेगी। ठीक है, अब देखें यहाँ पे रोशनी ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे इसने मेरे चेहरे के ऊपर क्या कर दिया, शेडोज को क्या किया, वो कर दिया। ठीक है, यहाँ से कम या ज़्यादा शेडोज़ को कर सकते हैं वैल्यूज़ को, ये देखें इसने बढ़ा दिया यहाँ पे और यहाँ पे शेडो को क्या कर दिया ये, इसने थोड़ा डार्किश बना दिया इसमें। ठीक है, तो यहाँ से भी आप मिड टोन्स को भी वैल्यूज की चेंज कर सकते हैं, कलर अगर इसको लेकर आना तो ये देखें येलोइश कलर जो है वो इसमें ऐड हो रहा है। ठीक हो गया, तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, इसमें कलर करेक्शन या हाइलाइट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एच एस एल सेकेंडरी है, यहाँ से भी आप ये सारा तकरीबन जो है वो यहाँ से डीनॉइस है, अगर आप डीनॉइस कर सकते हैं, ये देखें लेट सपोज यहाँ से मैं वीडियो को लेकर आया तो यहाँ पे हमारे पास आपने देखा होगा कि वीडियो जो है वो क्या है, ऊपर ये लाइन जो है आपके पास येलो कलर की आ रही है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ, ये प्ले जो है वो वीडियो हो रही है, ये वीडियो जो है हमारे पास प्ले होना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अच्छा उसके बाद जैसे मैं इसमें कुछ कट डालता हूँ या कुछ भी चेंजिंग करता हूँ, ठीक है,
उसके बाद ये मैंने कट किया, यहाँ से मैं डिलीट किया, और ये हिस्सा जो मैंने पार्ट वो किया, और या इसके ऊपर मैं कुछ भी इफेक्ट वगैरह लगाता हूँ, यानी जो है मैं सिंपल फ्लिप का ऑप्शन लगा देता हूँ सिंपल, ठीक है। फ्लिप मैंने लगाया यहाँ पे ला गए, तो फ्लिप लगाने के बाद ये देखें यहाँ से हमारे पास ये येलो था और ये जो है वो रेड हो गया पार्ट, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास, ये वीडियो जो है वो रेंडर हुई भी है, ठीक है, लेकिन ये जो है पार्ट हमारे पास रेंडर नहीं हुआ हुआ, ठीक है। फ्लिप तो हो गया हमारी वीडियो, कोई भी इफेक्ट वगैरह आप लगाते हैं जब, तो ये जो है हमारे पास रेड कर देती है। इसका मतलब ये होता है कि ये पार्ट हमारे पास रेंडर नहीं हुआ हुआ। रेंडर करने के लिए आपने सिंपल अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये रेंडर रेंडरिंग का ऑप्शन आ जाएगा। ये रेंडर होने के बाद जो है उसको क्या करेगी, ग्रीन बना देगी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये हमारे पास पार्ट जो है वो रेंडर हो चुका है, ठीक है। रेंडर सिंपल आपका पार्ट जो है वो वीडियो यहाँ पे हमारे पास शो जो करवाएगी वो रुक रुक के या टक टक के आपके पास जो है वो शो नहीं करवाएगी। जैसे ये रेंडर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये ग्रीन पार्ट हो जाएगा। जैसे आप दूसरा कोई इफेक्ट लगाएंगे तो हो सकता है दोबारा ये इतना हिस्सा जो है वो वीडियो का क्या हो जाए, दोबारा रेड हो जाए। तो आप वहाँ से इसको रेंडर करेंगे तो देखें हमारे पास बड़ी स्मूथ वीडियो जो है वो चलेगी यहाँ से, ठीक है। कंट्रोल जी करके दिखाता हूँ मैं आपको दोबारा, मैंने ये इफेक्ट लगाया, ठीक है। अब ये रेंडर होगा पार्ट, मैं इसको जो है वो दोबारा कट लगा देता हूँ, सॉरी, कट मैंने लगा रही है यहाँ पे, ठीक है। देखें दोबारा क्या हो गया, रेंडर खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर आपको चला के दिखाऊँ वीडियो, तो वीडियो जो है वो इसमें थोड़ी सी रुक रुक के चलती है, ठीक है। तो आप बेहतर होता है कि आप रेंडर कर लें, रेंडर करने के बाद आपके पास ये क्या होगा, सारा क्लीन जो है वो आपके पास वीडियो चलेगी, ठीक है। इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी एक चेंजिंग बता देता हूँ, जैसे आप ये वीडियो को लेकर आए हैं, ठीक है, आप इसमें मुख्तलिफ जगह पे क्या लगाते हैं, यहाँ पे कट लगाते हैं, लेट्स सपोज आपको इतना हिस्सा जो है वो नहीं चाहिए, आपने क्या किया इसको डिलीट कर दिया। जैसे आप डिलीट करेंगे तो आपने ये देखा होगा कि दरमियान में स्पेस जो है हमारे पास वो क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो यहाँ से जब हम वीडियो को चलाएंगे तो वीडियो में ब्लैक एक वीडियो चलती रहेगी, क्योंकि इसमें वीडियो में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसके बाद यहाँ से लाके इसको साथ जोड़ देंगे, ऐसे ही होगा, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं जैसे इसको डिलीट करूँ तो वो क्या हो जाए, हमारे पास जो है ये पीछे वाला क्लिप जो है डायरेक्ट इसके साथ आगे कनेक्ट हो जाए। आपने क्या करना है, कीबोर्ड से शिफ्ट दबाना, शिफ्ट दबा के जब आप डिलीट करेंगे तो क्या होगा, ये वो वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट होने के बाद हमारे पास ये वाला हिस्सा जो है वो इसने क्या कर दिया, उसके साथ आके जोड़ दिया, ठीक है। तो आपको बाकायदा जो है वो अलग अलग सेपरेटली इसको यहाँ पे लाके जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, इसके साथ आके जुड़ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद लेट्स सपोज आपने जो है ये हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पे आप देखेंगे सीक्वेंस के बटन के साथ एक जो है वो स्नैप इन टाइमलाइन, ठीक है, ये एक मकनातीस जैसा जो है हमारे पास आइकन बना हुआ है, इसको जब आप चेक ऑफ कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास, अभी आपने देखा होगा कि इसको जब मैं चेक इन करता हूँ तो वीडियो को मैं इसके जैसे पास लेकर आता हूँ तो ये देखें ऑटोमेटिकली उसके साथ मकनातीस के साथ चिपक गया पिछले क्लिप के साथ, ठीक है। लेकिन जैसे अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ तो यहाँ से मैं इसको यहाँ पे लेकर आता हूँ तो ये ना चिपक रहा है ना इसके ऊपर क्या होता रहेगा, ओवरलैप करता रहेगा, ठीक है। तो ये आपने मेक श्योर रखना है कि जैसे ही आप जब क्लिप को जोड़ रहे हो तो ये आपका स्नैप के बटन जो है वो ऑन हो, ताकि इनेबल हो, ताकि जिससे आपका क्या हो सके, आप जो है वो क्लिप को बेहतर तरीके से जोड़ सकें। ये ना हो कि जब आपका ओवरलैप हो जाएगा तो ओवरलैपिंग के साथ आपके क्लिप में मसले बन सकते हैं कि आपका पीछे वाला क्लिप जो है, अब ये इसके ऊपर ओवरलैप होगा तो ये सारा क्लिप इसकी भी जगह ले लेगा, ठीक है। तो यूं जो है वो अच्छा नहीं लगता क्लिप, इसलिए जो है वो आपने इस बातों का क्या रखना, ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो मैं आपको लेके चलता हूँ, कुछ लेगेसी टाइटल्स हैं और कुछ जो है वो आपने वीडियोस में देखा होगा फिल्मों में, जैसे जब ड्रामा या फिल्म शुरू होता है तो हमारे पास रोलिंग क्रेडिट्स जो है वो चल रहे होते हैं, यानी एक्ट्रेस वगैरह के नाम वगैरह आपने देखा होगा फिल्मों में, ऐसे ऊपर नीचे से ऊपर जा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तरीके जो है मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे बनाते हैं। एक हमारे पास होता है लेगेसी टाइटल, ठीक है, आपने नीचे लाइन जो है वीडियो के नीचे लाइन देखी होगी, वो चल रही होती है हमारे पास, ये दोनों जो है वो मैं आपको क्या करता हूँ बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे
सिंपल टेक्स्ट लिखते हैं। टेक्स्ट में मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, सॉरी पहले मैं एक वीडियो ऐड कर लेता हूँ इसमें, ताकि बैकग्राउंड आपका कलर में ऐड भी ऐड कर सकते हैं, वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। मैं सिंपल ब्लैक वीडियो ऐड कर लेता हूँ, इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ पे टेक्स्ट लेना है, यहाँ पे मैंने जो है ये टेक्स्ट ऐड कर लिया है, ठीक है। आप जो है वो इससे ज़्यादा टेक्स्ट अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ नाम जो है वो ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, सिंपल। अच्छा, यहाँ से मैं आपको क्या करता हूँ, एक हम चलते हैं ग्राफिक्स सेक्शन, एसेंशियल ग्राफिक्स के अंदर ये हमारे पास ऑप्शन खुल गया, एडिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसके प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। जैसे मैं इसके बाहर क्लिक करूंगा तो यहाँ भी आपके पास ऑप्शन आ रहा है रोल का, ठीक है। ये क्या होता है, रोल द ग्राफिक्स फ्रॉम बॉटम ऑफ द सीन टू द टॉप ऑफ टॉप ओवर द लेंथ ऑफ द क्लिप, ठीक है। ये क्या करेगा, क्लिप के नीचे से लेके ऊपर तक क्या करेगा, रोल करेगा, ठीक है। रोल का मतलब कि नीचे से ऊपर की तरफ ये क्या करेगा, प्ले करेगा अपने आप को, ठीक है। मैं इसको क्लिक करता हूँ, सिंपल क्लिक करने के बाद अगर आपको मैं चला के दिखाऊं तो ये देखें आप, सिंपल क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक। अब ऑप्शन देते हैं लेगेसी टाइटल की तरफ, ठीक है। लेगेसी टाइटल से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि लेगेसी टाइटल कैसे बनता है। लेगेसी टाइटल से पहले आप जो है यहाँ पे सिंपल एक बॉक्स बना लें, ठीक है। ओहो, हमने ब्लैक वीडियो भी डिलीट कर दी है, ब्लैक वीडियो सर्च हमारे पास पहले है, इसको मैं ऊपर ले आता हूँ, इसको नीचे ले आता हूँ। चले, अगर आप ब्लैक वीडियो को ग्राफिक्स के ऊपर रखेंगे तो आपको सिर्फ ब्लैक वीडियो नजर आएगी, आपको ये ग्राफिक्स के कुछ भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या कर लिया, इसको आप कलर को थोड़ा सा इसका चेंज कर लें, कलर जैसे आप यहाँ पे चलते हैं शेप्स में, शेप्स जो है कलर इसका मैं थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ ब्लैक में, ठीक है। ओह, ब्लैक जो पहले बैकग्राउंड में है तो मैं थोड़ा सा साइड पे यहाँ पे ब्राउनिश कलर ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको नजर आए, क्योंकि बैकग्राउंड में ब्लैक है इसलिए। अच्छा, ये हमारे पास, अब हम जाते हैं कि टेक्स्ट जो है वो ऐसे हमारे पास स्क्रॉल होके जाए, यानी कि रिंगता हुआ टेक्स्ट जाए, ठीक है, जैसे हम रिंग में क्रॉल होना है। आपने क्या करना, सिंपल यहाँ पे आना है फाइल में, फाइल में न्यू में आना है, न्यू में आके आपके पास ये ऑप्शन है लेगेसी टाइटल का, ठीक है। लेगेसी टाइटल के ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ से हमारे पास ये नाम पूछेगा, हाइट और विड्थ पूछेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या करेगा, जितने भी हमने सेटिंग की है उसके मुताबिक क्या करेगा, आपने यहाँ पे आपके पास एक न्यू विंडो जो है वो क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ठीक है। न्यू विंडो के अंदर आप यहाँ से देख सकते हैं ये हमारे पास टाइटल पार्ट जो हमने पीछे बनाई थी वो है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे मैंने रेगुलर कर लिया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट टूल को लेता हूँ, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। अब यहाँ से आपने देख लेना है कि सेटिंग सेंटर में कहाँ से हो रहा है, ठीक है। सेंटर में आप करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, सब्सक्राइब टू माई चैनल, अच्छा, ठीक है। अगर आपके पास टेक्स्ट जो है वो बहुत लेंथी है, यानी आप जैसे लेट्स सपोज मैं इसको जो है वो टेक्स्ट टूल लेता हूँ, दोबारा टेक्स्ट टूल में आके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, एंड प्रेस बेल आइकन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट जो है हमारा हमें नजर आना ही बंद हो गया, ठीक है। तो आपको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप टेक्स्ट जो है वो पहले किसी टेक्स्ट एडिटर में, यानी नोटपैड में या कहीं भी लिख लें, वहां से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करें, ताकि आपको जो है वो आगे टेक्स्ट जो है वो दिखना बंद अगर हो भी जाए तो आपका टेक्स्ट वहां से आप यहाँ पे लाके क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो मैं फिलहाल इसको वो करता हूँ, आप यहाँ से जैसे इसको यहाँ पे करके देखेंगे तो आपको आगे का टेक्स्ट भी नजर आ जाएगा, ठीक है। तो रिकमेंड मैं आपको यही करूंगा कि आप जो है वहां से आप टेक्स्ट को लेकर आए। उसके बाद जो है हम इसकी टेक्स्ट में सेटिंग चेंज कर दी हमने। अब उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, यहाँ पे इसको आपने ऑप्शन को क्या कर लेना, क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक और न्यू पॉपअप खुल जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है रोल क्रॉल, ठीक है। अब मैंने आपको इससे पहले रोलिंग करना सिखाया था, तो आप यहाँ से भी रोल कर सकते हैं सिंपल। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ स्टिल, स्टिल का मतलब है जैसे टेक्स्ट है वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। और रोल यहाँ से भी आप कर सकते हैं, जो मैंने आपको वो वाला तरीका बताया वहां से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपकी अपनी मर्जी है, हम यहाँ से करेंगे क्रॉल लेफ्ट, ठीक है। क्रॉल राइट, दो ऑप्शन है हमारे पास, क्रॉल लेफ्ट करेंगे। जैसे ही आपको पता है कि दाएं से बाएं हमारा टेक्स्ट जो है वो चलता चला जाएगा। अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो आपको जो है वो क्रॉल राइट करना पड़ेगा, तो आप उर्दू में भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको उर्दू भी लिखना सिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे उर्दू कैसे लिख सकते हैं सिंपल। उस
यहाँ पे आपने स्टार्ट ऑफ स्क्रीन, एंड ऑफ स्क्रीन, इनको दोनों को चेक कर देना है, ठीक है। और इसके बाद ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपने इसको क्या कर देना है, क्लोज कर देना, ठीक है। क्लोज करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ये टाइटल वन आ गया, ठीक है। टाइटल वन को आप जैसे इसके ऊपर ला के रखेंगे तो हमारे पास टाइटल वन जो है यहाँ पे बन गया। जैसे मैं इसको प्ले करूंगा, ये देखिए हमारे पास टाइटल जो है वो क्या हो रहा है, क्रॉल हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ से इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा दें, ड्यूरेशन को, तो ये क्या हो जाएगा, ओहो, इन तीनों की ड्यूरेशन को बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपको पीछे बैकग्राउंड में लग रही है, ठीक है। जैसे आप इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉल होना थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। पहले क्या था, बहुत फास्ट था, इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाते रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास स्लो जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दोबारा एडिट करना है, इस टाइटल के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, आपके पास दोबारा वही वाली विंडो ओपन हो जाएगी। दोबारा इसमें यहाँ पे आप जो भी चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है, आप यहाँ से टाइटल जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इसके अंदर ऑप्शन वगैरह चेंजिंग हो सकते हैं, यानी कि कुछ आपके कंप्यूटर की सपोर्ट या किसी वजह से जो है वो टाइटल स्क्रॉल करना थोड़ा सा तंग हो जाता है, यानी कि अगर आपने इसको बंद कर दिया या काम करना छोड़ दिया तो आपका जो है वो टाइटल में मसला आ सकता है, ठीक है। तो आपने ये सब कुछ देख लेना, लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी उसमें टाइटल लिखा था तो टाइटल मेरा क्रॉल ही नहीं हो रहा था, ठीक है। तो आपने ये सब कुछ देख लेना, कभी कभार ये मसले मसाइल आ जाते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद अब मैं चलता हूँ, इसको आप प्रीमियर प्रो में उर्दू कैसे लिख सकते हैं और उर्दू को आप क्रॉल कैसे कर सकते हैं, सिंपल, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं आपको जो है वो उर्दू कैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको मैंने बताया है कि आप ने सबसे पहले क्या कर लेना है, यहाँ पे उर्दू इंस्टॉलर, अपने पाक उर्दू इंस्टॉलर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। आप गूगल पे जाएंगे, आपको फ्री में मिल जाएगा पाक उर्दू इंस्टॉलर। उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल के अपने यहाँ पे आपने विंडोज प्लस स्पेस बार, जैसे आप विंडो प्लस स्पेस बार दबाएंगे तो आपको जो है यहाँ पे ऑप्शन देगा कि आपने इंग्लिश में रखना है या उर्दू में रखना है। या अगर आपने यहाँ से सिंपल आपको कीबोर्ड में नजर आ रहा होगा, यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या कर सकता है, ये उर्दू में चेंज कर सकता है, ठीक है। उर्दू में जैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे आप लिखना स्टार्ट करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे मेरा चैनल, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब, क्या जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको ये। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी कि जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वो हमारे पास क्या कर रहा है, इंग्लिश में इंग्लिश की तरफ से स्टार्ट कर रहा है और उस तरफ जा रहा है, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश में टाइप करते हैं वैसे ये क्या कर रहा है, उर्दू को टाइप कर रहा है, लेकिन हमें जो है वो यूं नहीं चाहिए। आप जो है वो इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। आपको पता है कि उर्दू जो है वो दाएं साइड से शुरू होती है और बाएं की तरफ जाती है, ठीक है। लेकिन हम जो है वो चाहते हैं कि यहाँ, लेकिन ये क्या कर रहा है कि हमें ये जो लेफ्ट साइड से जहाँ से इंग्लिश शुरू होती है वहाँ से लेके राइट साइड पर जा रहा है। आपने क्या करना, सिंपल इसको ओके करना, ठीक है। फाइल में जाना है, सॉरी फाइल कह रहा हूँ, एडिट में, एडिट में जाके आपने यहाँ पे क्या करना है, नीचे आ जाना है प्रेफरेंसेस में, ठीक है। प्रेफरेंसेस में जाके आपने जनरल के ऊपर क्लिक कर लेना। जैसे आप जनरल के ऊपर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से क्या करना है, आपने ग्राफिक्स के अंदर आ जाना, क्योंकि ये ग्राफिक्स का काम है सारा, ठीक है। ग्राफिक्स के अंदर आएंगे, डिफॉल्ट पैराग्राफ डायरेक्शन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट आपको पता है कि इंग्लिश लिखी जाती है, ठीक है। आप जब उर्दू लिख रहे होंगे तो आपने क्या कर देना है, इसको राइट टू लेफ्ट यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से आपने क्या कर देना है, इसको हिंदी डिलीट करना है, चेक करना है, या हिंदी हम फिलहाल हम लिख नहीं रहे तो आपने क्या कर देना है, इसको सिंपल राइट टू लेफ्ट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप इसको यहाँ पे ओके करेंगे तो अब यहाँ पे हम टेक्स्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। तो आपको यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या कर रहा है, टेक्स्ट इस तरफ जा रहा है, ठीक है। जैसे उर्दू में हम सिंपल लिखते हैं दाएं से बाएं की तरफ, ना के बाएं से दाएं की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपने चेक कर लेना इसको। अब आप जब इंग्लिश में चेंज करेंगे तो आपने वहां जाके दोबारा चेंज भी कर देना, ये ना हो कि आप इंग्लिश जो है वो उर्दू की तरह यहाँ से लिखी जा रही हो, ठीक है। तो सिंपल दोबारा आने के लिए मैं वो करूंगा। अब मैं आपको अगर इंग्लिश लिख के दिखाऊं तो ये देखें, इंग्लिश जो है वो इस तरफ से जा रही है, बाएं से दाएं की तरफ, ठीक है। तो आपने क्या कर लेना, इसको चेंज कर लेना आप यहाँ पे भी, और यहाँ से आप इसको फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। इसमें फॉन्ट आपको पता है कि इसका फॉन्ट क्या होता है, नूरी मशलिक या उर्दू फॉन्ट्स, अगर आपको याद है तो आप उर्दू फॉन्ट्स भी यहाँ से देख सकते हैं। इफेक्ट्स कंट्रोल में जाके सैंपल टेक्स्ट और एडिट्स में चलते हैं, इसका यहाँ पे फॉन्ट हमारे पास पड़ा होगा, अगर नूरी मशलिक निकल जाता है, ये रहा हमारे पास नूरी जमील मशलिक, ठीक है। ये देखें, अब यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं सिंपल,
ठीक है, तो यहाँ से आपके पास फॉन्ट भी चेंज हो गया। बाय डिफॉल्ट विंडोज़ के अंदर होता ही है उर्दू फॉन्ट, अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, ये पहला मैं बंद कर देता हूँ। ये था हमारे पास इंग्लिश उर्दू कैसे हम टाइप कर सकते हैं, कैसे हम इसको रोलिंग क्रेडिट बना कर सकते हैं और कैसे जो है हम इसको क्रॉल कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। अब उर्दू लिखने के बाद जो है वो मैं आपको ये बताऊँगा कि जैसे आपने देखा होगा कभी कभी क्लिप्स के अंदर कुछ एरिया जो है वीडियो का हिस्सा ब्लर किया हुआ होता है ताकि हमें जो है वो वीडियो सही तरह से समझ नज़र ना आए। ठीक है, कुछ हिस्सा जानिए कि लोगों को नहीं दिखाने वाला होता तो वो लोगों ने क्या होता है ब्लर किया होता है। वो ब्लर कैसे हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल आपने क्या करना है इसको यहाँ पे ले आना है। इसको एक मैं क्लिप ले आया हूँ, ठीक है, एक्सिस्टिंग सेटिंग इसको रहने देते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ ऑल्ट दबा के आपने इसको ड्रैग करके ऊपर करना है तो इसकी क्या हो जाएगी एक कॉपी डुप्लीकेट हो जाएगी। ठीक है, डुप्लीकेट करने का सिंपल तरीका है कि आपने ऑल्ट दबा के इसको ड्रैग करना ऊपर, जितनी कॉपियाँ आप लेना चाहते हैं आप उसकी कॉपी ले सकते हैं। ठीक है, सिंपल मैं यहाँ से क्या करता हूँ इसका, मैं चाहता हूँ कि ये जो लड़का आ चला आ रहा है इसका जो है फेस पूरी वीडियो के दौरान जो है, मैं आपको वीडियो चला कर दिखा देता हूँ, ये वीडियो जो है ये चल के आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पूरी वीडियो के दौरान इसका जो है चेहरा मैं आपको नहीं शो करवाना चाहता, ये चेहरा जो है ब्लर ले। सिंपल आपने यहाँ पे क्या करना है इन तीनों में से कोई एक मास्क बना लेना। ठीक है, मैं इसको चेहरा गोल है तो मैं जो है वो लिप्स मास्क बना लेता हूँ इसके यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब मास्किंग के अंदर आपने देखा होगा मास्क मेरा क्या हो गया, बन गया। ठीक है, मैं इसकी जो है वो फैदर जीरो कर देता हूँ सिंपल। अच्छा, इसके ऊपर मैं एक इफेक्ट लगा देता हूँ, हमारे पास क्या वाली इफेक्ट गॉशियन ब्लर, ये ब्लर मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया और इसकी वैल्यू जो है यहाँ से आप क्या कर दें गॉशियन ब्लर की 100 तक ले जाए। ठीक है, जितना आपने करना है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये ब्लर बन गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं करूँगा इसको, मैं वीडियो को चलाता हूँ तो देखें ब्लर मेरा जो है वो जो मैंने सब ब्लर किया हुआ वो वहीं पे स्टिल हुआ है यानी कि। ठीक है, लेकिन वीडियो के बैकग्राउंड में इसका चेहरा जो है नजर आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना हिस्सा ये क्या करे मेरा इसके साथ साथ इसके साथ चले मास्क ये यानी ब्लर का हिस्सा। ठीक है, आपने क्या करना है मास्क के अंदर आके मास्क पाथ इसको यहाँ पे क्या कर देना है ट्रैक सिलेक्टेड मास्क फॉरवर्ड। ठीक है, ये जैसे जैसे वो जो हिस्सा इसने ये ट्रैक करेगा ऑटोमेटिकली इसको जनरेट करेगा चेक करेगा इस फेस को ना ये क्या करता रहेगा उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली क्या करता रहेगा ये अपने आप को चलाता रहेगा। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये ट्रैकिंग करेगा, ट्रैकिंग करने के बाद इस फेस को डिटेक्ट करेगा और इसके साथ साथ क्या करता रहेगा अपने आप को चलाता रहेगा एनिमेट होता रहेगा यानी कि। ठीक है, अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद ये हो गया हमारे पास। ठीक है, जैसे मैंने इसको क्या किया प्ले किया, अब यहाँ पे देखें कि हमारा मास्क जो है उसके साथ साथ क्या हो रहा है ब्लर हिस्सा जो है वो उसका चेहरा बिल्कुल क्या कर रहा है वाजे नहीं हो रहा। उससे पहले जब मैं चलाया था तो चेहरा नजर आ रहा था जैसे तो हिल रहा था, अब मास्क जो है वो बिल्कुल उसके साथ साथ क्या कर रहा है हमारे साथ प्ले कर रहा है। ठीक है, तो यूं भी आप कर सकते हैं, अगर आपने इस लड़की के ऊपर बनाना है तो मास्क उठा के यहाँ पे ले आए बेशक, उसके बाद इसकी ट्रैकिंग दोबारा कर लें। ठीक है, ये दोबारा न्यू मास्क बना लें, अब आपके ऊपर आके आपने क्या हिस्सा ब्लर करना होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें आप जो है वो गॉशियन ब्लर की जगह जो है वो आप सिंपल मोजाइक भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसकी वैल्यू जो है वो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। यूँ आपने देखा होगा कि कुछ हिस्से जो है हमारे पास यूँ के भी ऐड होते हैं। ठीक है, इसको मैं गॉशियन ब्लर को उड़ा लेता हूँ, ये वाला ऐड करें तो ये जो है यूँ भी चेहरा हमारे पास क्या हो सकता है चल सकता है। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप ब्लर करना चाहते हैं या फिर है कि ये वाला इफेक्ट लगाना चाहते हैं। ठीक हो गया, ये वीडियो मैं यहाँ पे ले आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे लेकर आ गया वीडियो। अब वीडियो में मैं क्या करता हूँ सिंपल यहाँ पे मैं एक इफेक्ट लगाता हूँ लीव कलर, लीव कलर इसके ऊपर इफेक्ट लगाया मैंने। अब यहाँ से हमारे पास ये लीव कलर की बाकी प्रॉपर्टीज आ गई हैं, ये हमसे कलर पूछ रहा है कि आपने कौन सा कलर रखना है बाकी कौन से जो है वो ब्लैक करने हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसको आई ड्रॉपर टूल कर लूंगा और यहाँ पे आके मैंने ये वाला कलर क्या कर लिया सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा हमारे पास इसकी अमाउंट टू डी कलर, ठीक है, ये क्या करेगा डी कलर यानी कि इस कलर को रखेगा बाकी सारे क्या करेगा उड़ा देगा। मैंने जैसे जैसे इसकी वैल्यू को बढ़ाना शुरू किया तो ये देखें मेरी वीडियो जो है उसमें ब्लैक एंड वाइट क्या हो गया आ गया इफेक्ट। ठीक है, अगर मैं इसको जो है वो इसकी टॉलरेंस थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा तो हमारे ये जो से मेरे इसके 50% में आपको 75% करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें कि इसने मेरा चेहरा ही ब्लैक कर दिया लेकिन हमारे पास कुछ ये भी ब्लैक हिस्सा आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको भी ख़त्म करने के लिए क्या करूँगा
इसकी टॉलरेंस को इंक्रीज करना शुरू हो दूंगा। ठीक है, जहाँ पे मुझे बेहतर लगेगा, मैं जो है यहाँ पे मुझे जो है वो मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट लग रहा है, पर टॉलरेंस मैंने बढ़ा दी है इसकी। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको चला के दिखाता हूँ, तो ये देखें फेस भी मेरा क्या हो गया, ब्लैक हो गया बिल्कुल। अगर आपने जो है इसको कम या ज़्यादा जो भी वैल्यू करनी है, यहाँ से आप वैल्यू को है क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं सिंपल। अब यहाँ से देखें वीडियो जो है वो मेरी चल रही है, बैकग्राउंड टोनस बनाने के साथ साथ बैकग्राउंड के ना कुछ कलर वापस आ गए, तो मैं आपको यही एग्जांपल जो है एक और वीडियो में करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको और वाजे हो जाए। लेट्स सपोज मैं डाउनलोड में चलता हूँ, डाउनलोड में हमारे पास एक ये वीडियो है, ये वीडियो ले लेते हैं। ठीक है, ये वाली वीडियो मैं लेकर आया हूँ उसको, और यहाँ से मैंने क्या किया, लीफ कलर इसके ऊपर अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ से लेके इसके जो येलोइश कलर में है हमारे पास, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल क्लिक करूँगा और इसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने इंक्रीज किया तो आप देख सकते हैं जो है कुछ इसका इसका हिस्सा क्या हो गया, थोड़ा सा डल हो गया। मैं इसकी टॉलरेंस को बढ़ा के 20 कर देता हूँ, 20 करने के बाद मेरे पास कुछ हिस्सा वापस आ गया, मैं और वैसे इसकी वैल्यू बढ़ाता रहूँगा तो वैसे वैसे क्या होता रहेगा ये हमारे पास इसका। ठीक है, यहाँ पे हमें जो है वो बिल्कुल बेहतरीन लग रहा है। अब यहाँ से देखें जो हमारे पास जितने फ्लावर्स हैं वो क्या हो गए, येलो हैं, बाकी सारी वीडियो जो है उसने क्या कर दी है, ब्लैक एंड ब्लैक कर दिए। ठीक है, तो यूँ कि आप इफेक्ट भी अपनी वीडियोज में डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें तो। सिंपल आपने क्या करना है, लीव कलर करना है, इसमें हम कलर रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर आपका येलो कलर है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कलर रिप्लेस भी कर सकते हैं, इसमें कलर रिप्लेसमेंट का भी कलर है, ऑप्शन है कलर रिप्लेस। ठीक है, ये कलर रिप्लेस आपने इसके ऊपर अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, इसको नीचे लेकर आए, तो यहाँ पे हमारे पास टारगेट कलर जो आपने चेंज करना है उसको पूछ रहा है। यहाँ पे आप येलो के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, तो ये है रिप्लेस कलर, ये इसको ब्लू में चेंज कर देगा, अगर आपने पिंक करना है तो पर्पल करना है तो पर्पल में कर देगा चेंज। ठीक है, आप इसका जो है वो सिमिलरिटी क्या करेगा, थोड़ी सी आप इसकी इसकी वैल्यू को बढ़ाते रहें तो ये क्या करेगा, सेम सिमिलरिटी, यानी कि जहाँ जहाँ भी हमारे पास ये वाला कलर है सेम उसको क्या करता रहेगा, सारे में चेंज करता रहेगा। आप देखें हमारे पास पहले येलो था, अब ये क्या हो गया, पर्पल हो गया। तो यूं जो है वो आप चेंज कलर कर सकते हैं, अपनी शर्ट्स का भी कलर चेंज कर सकते हैं, और भी मुख्तलिफ चीज़ों का जो है वो आप कलर अपनी वीडियो में चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एनिमेशन का। एनिमेशन क्या होती है कि किसी भी चीज़ को आप मूव करवा सकते हैं अपनी वीडियो के अंदर। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक टेक्स्ट, ये टेक्स्ट की हमारे पास एक लेयर पड़ी है। ठीक है, हमने हम जाते हैं इसको एनिमेट करवाएं। एनिमेशन क्या होता है, की फ्रेम्स को आपने ऐड करना होता है, की फ्रेम्स के थ्रू से इसकी वैल्यू कम या ज्यादा करेंगे, तो एक की फ्रेम से दूसरे की फ्रेम तक आने में इसकी वैल्यू क्या होती रहेगी, अपने आप को ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज करती रहेगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एनिमेशन के लिए आपने क्या करना होता है, अगर आपकी पोजिशन के ऊपर एनिमेट करना चाहते हैं तो आप पोजिशन के ऊपर आएंगे ऑप्शन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप स्केल के ऊपर करना चाहते हैं तो स्केल के ऊपर आप करेंगे। उसके बाद जो है वो आप, अगर आपने किसी भी चीज़ के ऊपर यहाँ पे एनिमेशन लगानी है तो आप ये स्टॉप वॉच का आइकन जो है इसको क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं सिंपल। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसका यहाँ पे पोजीशन के ऊपर यहाँ पे क्या करता हूँ, ये स्टॉप वॉच का बटन है पोजीशन के साथ टॉगल एनिमेशन। ठीक है, आपने इसको ओपन कर देना, जैसे आप ओपन करेंगे यहाँ पे देखें इसने छोटा सा एक डायमंड क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू जो है वो नॉर्मल जो पहले है स्पीड, ठीक है, थोड़ा सा अभी तक मैं चाहता हूँ कि ये जो है बाईं तरफ अपने लेफ्ट साइड पे चला जाए। इसकी मैं यहाँ से जो है वो ये वाली वैल्यू क्या करूँगा, कम करूँगा, जैसे मैं कम करूँगा उसने ऑटोमेटिकली एक और हमारे पास एनिमेशन का की फ्रेम क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ से देखो आपके पास चला के दिखाऊंगा तो ये क्या होगा, ग्रेजुअली अपने आप को ऐसा ऐसा क्या करेगा, लेफ्ट साइड पे ले जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखें, ठीक है, आप इसी तरह स्केल के ऊपर भी लगा सकते हैं। स्केल क्या होता है, वैल्यू को छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा करेगा। यहाँ पे मैं जो है वो इसका ये वाला की फ्रेम थोड़ा सा आगे कर देता हूँ और यहाँ से क्या करता हूँ, स्केल के लिए भी एक की फ्रेम ऐड करता हूँ। ठीक है, तो स्केल के लिए जो है वो मैंने की फ्रेम ऐड किया, यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी इसकी 100 और यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी इसकी, लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू रख देती है 0। ठीक है, मैंने यहाँ पे 0 वैल्यू रख दी, तो यहाँ पे आप देखें ये अपने आप को ग्रेजुअली छोटा भी करेगा साथ साथ। ठीक है, छोटा भी किया इसने एक, और दूसरा जो है वो क्या किया इसने, स्क्रीन से बाहर भी चला गया। ठीक हो गया। अच्छा, इन्हीं एनिमेशंस को आप अगर चाहते हैं कि ये स्मूथ चले हमारे पास, इन्हें स्मूथली आपने क्या करना है,
जो बाद वाली हमारे पास की फ्रेम होंगे उसको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के अंदर यहाँ पे है टेम्पोरल इंटरपोलेशन, ठीक है, यहाँ पे आपने इज इन का ऑप्शन है, इज इन को क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। इसी तरह ये वाला यहाँ पे इज इन के ऊपर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, और पहले वाली को आपने दोनों को क्या कर देना, इज आउट कर देना, ठीक है। यू हमारे पास जो है वो ये एनिमेशन बड़ी स्मूथ होके चलेगी, आप चला के देखें तो ये देखें, ठीक है। आपने एनिमेशन को थोड़ा सा तेज करना है तो यहाँ पे आप जो है वो क्या कर सकते हैं, थोड़ी इसकी दरमियान का फासला क्या कर दें, कम कर दें, तो ये तेजी में क्या होगा और कम करेंगे तो और तेजी में हो जाएगा, ठीक है। तो यूं जो है वो आप क्या कर सकते हैं, अपनी एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं, ये किसी भी चीज के ऊपर लग सकती है, ठीक है। लाजमी नहीं कि ये पोजीशन और स्केल के ऊपर लगेगी, ये आप रोटेशन के ऊपर भी लगा सकते हैं या किसी ओपेसिटी के ऊपर भी, या कुछ भी आप अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, उसके ऊपर, सारे के ऊपर एनिमेशन क्या कर सकते हैं आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब वीडियो के जितने भी थोड़े से पार्ट्स है वो मैंने सारे आपको बता दिए, अब हम चलते हैं कोई ऑडियो के पार्ट की तरफ, ठीक है। ऑडियो में क्या क्या हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है, आपको ये नजर आ रहा होगा कि यहाँ V1 V2 V3 ये ऊपर वाले सारे वीडियो क्लिप्स हैं, यहाँ पे आप अपने ग्राफिक्स भी रख सकते हैं, आप अपने जो है सारे पोर्शन यहाँ पे रख सकते हैं। नीचे वाले A1 A2 A3 ये हमारे पास क्या है, सारे ऑडियो के ट्रैक्स हैं, ठीक है। वीडियो के ट्रैक्स ऊपर हैं, ऑडियो के ट्रैक्स नीचे हैं, ऑडियो के ट्रैक के साथ ये आप देख सकते हैं यहाँ पे माइक का बटन भी क्या हो रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला हमारा जो है वो साउंड सिस्टम को शो करवा रहा था कि जैसे जैसे आवाज के बीट हमारी उठ रही होती है, यहाँ पे हमारे पास क्या करवा रहा था, शो करवा रहा था। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक वीडियो ऐड करता हूँ, वीडियो जो है वो हम ले लेते हैं डॉक्यूमेंट्स, ज़ैपिया वीडियोस, लेट्स सपोज ये वाली वीडियो ले लेते हैं, ठीक है। इस वीडियो को मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ और इसका सिर्फ ऑडियो पार्ट लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। वीडियो का मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, ऑडियो पार्ट लेकर आ रहा हूँ, और यहाँ से आप जो है वो उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा लेंथी कर लेता हूँ, जैसे जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ, ठीक है, जैसे जैसे मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास क्या कर रहे हैं, क्या शो करवा रहे हैं, ये साउंड लेवल को शो करवा रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये आपके पास एक लाइन है यहाँ पे, आप इसको कम या ज्यादा करते रहेंगे तो आपके साउंड की वैल्यू क्या होती रहेगी, जैसे अब मैं इसके इस लाइन से नीचे ले आऊँ तो देखें ये वॉल्यूम में रह गया, ठीक है, आवाज आ रही है लेकिन वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। जैसे मैंने इसको इंक्रीज कर दिया तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम क्या हो गया, आपको एडवांस लेवल का वीडियो एडिटिंग आप कैसे कर सकते हैं, तो ये यानी रेड निशान को जब टच करे तो इसका मतलब ये होता है कि आवाज बहुत ऊंची है, और यानी रेड जोन में चली गई है तो खतरे का निशान होता है, ठीक है। तो आप जो है आवाज को नॉर्मल रखें, सिंपल इसकी वैल्यू को जो है वो आप क्या रखें, 15 decibel जो है वो काफी ज्यादा वैल्यू होती है, आप 10 से 10 तक या 11 तक नॉर्मल रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास वॉल्यूम के अंदर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में शोर आ रहा है तो आप शोर को कम करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफेक्ट्स के अंदर जाएं, इफेक्ट्स के अंदर डी नॉइस को आपने लाके जाने क्या कर देना, यहाँ पे अप्लाई कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे इफेक्ट्स को जिसको भी क्लिक करेंगे यहाँ पे, यहाँ से आपके पास डी नॉइस का ऑप्शन आया, आपने लाके ऑडियो क्लिक के ऊपर क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, इफेक्ट्स कंट्रोल में आ जाना, यहाँ पे आ गया हमारे पास डी नॉइस अप्लाई होने के बाद, एडिट में चला जाना, एडिट में जाके जब इसकी वैल्यू का फुल इंक्रीज कर देंगे तो क्या कर देगा, डी नॉइस कर देगा, यानी बैकग्राउंड में अगर आपका कोई फैन ऑन है या कोई बैकग्राउंड में से कुछ शोर की आवाज आ रही है या माइक के ही अपने ही शोर की आवाज आ रही है तो इसको क्या कर सकते हैं आप, कम या खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप डी नॉइस कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको ये वाले ऑप्शन नहीं पसंद तो आपने क्या करना है, सिंपल मैं आपको यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल में सारा दिखा देता हूँ, आपने यहाँ पे क्या कर लेना, ऑडियो इफेक्ट्स के अंदर आ जाना, ठीक है। ऑडियो इफेक्ट्स के अंदर आ गया जी, नॉइज रिडक्शन या रिस्टोरेशन, और ये ऊपर मैं वो करूँ तो ऑडियो के अंदर ये हमारे पास सारे ऑडियो के ऊपर अप्लाई करने वाले सारे इफेक्ट्स हैं, आप इनको बारी बारी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपनी वीडियो में, ठीक है, ऑडियो के अंदर। उसके बाद डिले एंड इको है,
फिल्टर है, ठीक है। इसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बेताशा और ऑप्शन आ जाएंगे। मैं आपको सारे ने बता रहा, आप अपने तौर पे सारे क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। नॉइस रिडक्शन है, आप यहाँ से नॉइस को भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। डी ह्यूमर है, उसके बाद ऑटोमेटिक क्लिक रिमूवर है, उसके बाद जो है वो यानी कि डी ए रिवर्ब है, ठीक है। यूं के जो है वो आप ऑप्शन क्या कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली चेकआउट कर सकते हैं खुद ही सारे सारे। अगर मैं कराने कराने बैठ गया तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए जो है मैं ऑडियो को ऑडियो के ये है इफेक्ट्स नहीं बता रहे थे डिटेल में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लेट्स सपोज मैं क्या करता हूँ जी, वीडियो को क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और वीडियो को जो है वो यहाँ से मैंने लिया इन इन, और यहाँ पे मैंने ला के आउट कर दिया, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है वो मैं वीडियो का लेकर आ रहा हूँ, सिंपल, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको चला के दिखाऊँ तो ये हमारे पास वीडियो का पार्ट है और ये है ऑडियो का पार्ट। लेट्स सपोज हमारे पास वीडियो का पार्ट लेंथ ही है और ऑडियो का पार्ट जो है वो हमने क्या कर लिया, थोड़ा शॉर्ट कर लिया, ठीक है। ऐसा भी हमारे पास कभी हो जाता है कि हम बैकग्राउंड में कोई वीडियो ऑडियो लगा रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है हमारे पास ऑडियो जो है वो हमारी वीडियो क्लिप से थोड़ी सी छोटी होती है, ठीक है। तो इसके आपने क्या करना है, आप चाहते हैं कि ये जो है इसके साथ मैच करे, ठीक है। अगर आप उसको जितना आपके वीडियो ऑडियो की लेंथ है अगर आप उसको स्ट्रेच करेंगे यहाँ से खींच के ले कराएंगे तो ये क्या होगा, ये अपने आप को इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारे पास ऑडियो की लेंथ ही छोटी सी है, ठीक है। हम यहाँ से क्या करते हैं, हम विंडोज में जाते हैं। विंडोज में जाने के बाद आपने क्या करना है, इसेंशियल साउंड के ऊपर आ जाना, ठीक है। इसेंशियल साउंड के ऊपर आएंगे आप, यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन और खुल जाएंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले म्यूजिक के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से आपने जो है वो ड्यूरेशन को क्या कर देना है, चेक कर देना ड्यूरेशन को। ड्यूरेशन को आप जैसे ही चेक करेंगे तो आपका जो है वो क्लिप एनालिसिस करने लग गया है। खैर हम इसको फिलहाल कैंसिल करते हैं और स्ट्रेच की तरफ चलते हैं, ठीक है। स्ट्रेच क्या करते हैं, आपको आपको पता है कि स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना। जैसे मैंने आपको वीडियो में यहाँ से हमने टूल पढ़ा था, हमने रेट स्ट्रेच टूल, ठीक है। हमने वीडियो के क्लिप को भी हम खींच के यानी कि हमने स्लोमो तैयार किया था और जो है वो फास्ट ट्रैक किया था। इसी तरह आप यहाँ पे ऑडियो भी क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। लेट्स सपोज में ये 5 मिनट का है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको करके दिखाऊँ तो ये 5 मिनट का है। यहाँ से आप ड्यूरेशन को इंक्रीज करते चले जाएंगे तो ये क्या करता रहेगा, अपने आप को बढ़ाता रहेगा। यहाँ से देखें आप, ये अपने आप को ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। यहाँ से जैसे आप बढ़ाते रहेंगे इसकी वैल्यू को, ये अपने आप को क्या करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। अब ये जो है वो प्ले करने से पहले थोड़ा सा रेंडर कर रहा है इसको, जब रेंडरिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये क्या करेगा, अपने आप को प्ले करेगा, ठीक हो गया। तो आपने जो है यहाँ से सारे चेक कर लेने, आप कैसे जो है इसके ऊपर इफेक्ट्स वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसकी ड्यूरेशन को कम करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इसको प्ले करें वीडियो को, और यहाँ पे मैं आपको लेकर चलता हूँ, यहाँ पे मैं जैसे ही एक वीडियो से दूसरे वीडियो की तरफ जंप करते हैं तो एक अजीब सा जो है वेट कट आता है, ठीक है। दरमियान में देखें, यहाँ पे हमारे पास एक वीडियो क्या कर रही है, एक कट सा आ रहा है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये कट ना आए, जब एक वीडियो से दूसरे वीडियो की तरफ जंप करे तो हमारे पास एक ट्रांजिशन आनी चाहिए, यानी कि इसको चेंज करे, ठीक है। ट्रांजिशन कैसे आती है, हम यहाँ पे इफेक्ट्स में चलते हैं, आपने जाना है इफेक्ट्स में। उसके बाद है हमारे पास वीडियो ट्रांजिशंस। वीडियो ट्रांजिशन में आप क्या कर सकते हैं जी, डिजोल्व है, ठीक है। सिंपल मैंने यहाँ से डिजोल्व लिया, क्रॉस डिजोल्व या डिप टू ब्लैक, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको ड्रैग करके इन दोनों क्लिप्स के सेंटर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप एक तरफ भी अप्लाई कर सकते हैं दोनों के, ठीक है, सेंटर में या दोनों तरफ। इनसफिशिएंट मीडिया दिस ट्रांजिशन विल कंटेन रिपीटेड फ्रेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया इसने, ये देखें जैसे इसको अप्लाई किया हमने तो ये क्या हुआ, दूसरे फ्रेम तक जंप होने में। डिप टू ब्लैक का मतलब कि पहले ब्लैक ऑप्शन आया फिर साथ में दोबारा हमारे पास वीडियो दूसरी आ गई, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको और भी डिप टू वाइड करना है तो आप वाइड कर सकते हैं सिंपल। ये क्या आ रहा है, अच्छा यहाँ पे देखें पहले वाइड आया फिर वो क्या किया इसने, अपने आप को चेंज कर लिया।
जैसे आप थोड़ी सी इसके ड्यूरेशन को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाता है। आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कम करना चाहते हैं यहाँ से तो कम भी कर सकते हैं। अब यहाँ से देखें कि जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, इसने अपने आप को इंक्रीज कर लिया, ठीक है। यहाँ तक भी देखें वाइड, इसके ऊपर थोड़ा सा इसका इफेक्ट आ रहा है, ठीक हो गया। ये आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप अब हम मज़ीद ट्रांजिशन वगैरह देख लेते हैं थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं चेक करते क्योंकि आप जो है वो ऑटोमेटिकली इसको चेक कर सकते हो खुद। आयरिस ब्लॉस खोलेंगे, यहाँ पे लाके इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखें ये क्या करेगा, यहाँ पे बॉक्स की तरह ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप जो है वो मुख्तलिफ इसको अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे अच्छी लगेगी आप उसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन को भी बढ़ा सकते हैं, ये देखें यहाँ से ओपन होके आएगी दूसरी, ठीक है। तो आपके ऊपर कि आप जो है वो इनको कैसे चेक कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैं लास्ट जो है वो ऑप्शन हमारे पास रह गया है कि अगर आपके पास वीडियो के अंदर थोड़ा सा नॉइज़ है, यानी कि आपकी जो है वो ग्रेन्स आ रहे हैं, ठीक है, वीडियो जो है वो थोड़ी सी ये समझ लें कि इसके जो है रेजोल्यूशन कम है, तो आप जो है वो उसको हाई रेजोल्यूशन करना चाहते हैं, ग्रेन्स को कम करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने सिंपल लिखना है वी आर डी नॉइस, यहाँ से हमारे पास एक इफेक्ट है ई आर डी नॉइस, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई करूँगा तो दिस इफेक्ट रिक्वायर्ड जीपीयू एक्सेलरेशन, ये जो है वो आपके पास सिंपल ग्राफिक कार्ड होना चाहिए इसके लिए। मेरे पास ग्राफिक कार्ड फिलहाल नहीं है तो ये जो है आपके अप्लाई नहीं करेगा। वैसे सिंपल मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो है वो यहाँ से वी आर डी नॉइस के जरिए अपनी वीडियो में क्या कर सकते हैं, डिनॉइसिंग कर सकते हैं। मेरे पास ये अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि मेरे पास ग्राफिक कार्ड नहीं है, ठीक है, तो आप जो अप्लाई इसको कर सकते हैं सिंपल। अच्छा जी, ये हमारे पास कुछ थे टॉपिक्स जो कि तकरीबन सारे कवर हो चुके हैं। अगर इसमें से कुछ जो है वो टॉपिक्स रह जाएं या जो भी, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा और इससे रिलेटेड जो है वो मैं नए नए ट्यूटोरियल्स बनाता रहूँगा। आप जो है अपने चैनल सारा कंप्लीट देखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।